आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है, प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। जून मंथ की जो विजन की मंथली मैगजीन है उसकी ये फर्स्ट वीडियो है। टोटल हम लोग 4 पार्ट्स बनाएंगे। ये पहले वाला है, पहले वाले में हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस और आईआर को कवर करेंगे। आप लोगों को सारी की सारी जो पीडीएफ होगी ना आफ्टर हाईलाइट करने के बाद, तो वो जब चारों पार्ट्स अपलोड हो जाते हैं आपको मिल जाएंगी। तो कुछ लोगों को कभी कभी दिक्कत आती है कि कौन सी वीडियो में कौन सा टॉपिक है, तो मैं थंबनेल पर मेंशन कर देता हूँ कौन सा पार्ट है, टू सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, और उसके नीचे ना टाइटल लिखे होते हैं, इसमें एनवायरनमेंट का टॉपिक है, इसमें आईआर का पॉलिटी का, वहाँ से देख सकते हैं। एंड जो पिंड कमेंट होता है ना हर वीडियो के नीचे, एक पिंड कमेंट होता है, उसमें कई सारी चीज़ें हैं। उसमें जूम लाइब्रेरी का बारे में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है, उसमें हैंड बुकलेट का भी लिंक होता है, और उसमें आपको मतलब टाइम स्टैम्प मिल जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान लो एग्जाम फॉर एग्जाम्पल आपको सेडिशन का टॉपिक आता है तो आप फर्स्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड वाले पे जंप कर सकते हो, है ना, टाइम स्टैम्प से इजीली। तो पिन कमेंट को ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस टॉपिक नंबर 1.1। न्यू पार्लियामेंट हाउस की न्यूज़ आप लोगों ने अक्सर सुनी ही होगी, जब से ये जिक्र हुआ था कि हम लोग अपने पार्लियामेंट को अपडेट करेंगे। तो हमारा राइट नाउ जो पार्लियामेंट चल रहा है अभी, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, सर्कुलर सा। बट जो हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं, जो हमारी बन चुकी है, वो ऐसी थोड़ी ट्रायंगुलर शेप में है। अभी इसे इनॉग्रेट कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारा पार्लियामेंट का जो एरिया है, हम लोग इसको बोलते हैं सेंट्रल विस्टा। और सेंट्रल विस्टा का नाम कब से आया था, ये अभी का नहीं है। एक्चुअल में 1947 से पहले, कुछ साल पहले 1931 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसमें हमारे पास फिर राष्ट्रपति भवन था, वी हैव नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, हमारा पार्लियामेंट हाउस है, ऑल राइट, वी हैव आर रिकॉर्ड ऑफिस है, उसमें इंडिया गेट का मॉन्यूमेंट भी आता है। ये पूरा का पूरा जो रीजन है ना, ये राजपथ के दोनों साइड में है, एक साइड में नॉर्थ ब्लॉक, एक साइड में साउथ ब्लॉक, इस तरीके से है। एंड इस पूरे रीजन को हम लोग सेंट्रल विस्टा बोलते हैं। तो इस सेंट्रल विस्टा को अभी राइट नाउ दोबारा से गवर्नमेंट ने इसको रिनोवेट किया है, क्योंकि ये हमारे कंट्री की बहुत, अब रिपब्लिक डे की जो परेड होती है वो इसी रास्ते पर होती है, इसे हम लोगों ने अब कर्तव्य पथ का नाम दिया है। मैं एक बार आप लोगों को गूगल पर भी दिखा देता हूँ ये मैप का एरिया, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दिस इज़ द दिल्ली रीजन, और दिल्ली रीजन में अगर हम लोग जाते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा सेंट्रल विस्टा रीजन, अगर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा ना, ये कर्तव्य पथ, ये एक्चुअल में वही एरिया है जहाँ पर रिपब्लिक डे परेड होती है। तो ये है हमारे, यहाँ पर ये हमारा राष्ट्रपति भवन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखोगे राष्ट्रपति भवन से एक सीधा रास्ता जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑल राइट, ये नॉर्थ ब्लॉक है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, और इसके दूसरी साइड है पीएमओ जो प्रधानमंत्री का ऑफिस है, उसके साइड में हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का ऑफिस है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स के साइड में ही है। तो ये हमारे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है जो कि बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के सामने हैं, ठीक है। अब देखोगे आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पीछे की तरफ, ये हमारा पुराना वाला पार्लियामेंट हाउस है, और ये हमारा नया पार्लियामेंट हाउस जो बन रहा है। मैं भी स्क्रीन पर ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये गूगल मैप से दिखा रहा हूँ इसलिए, बट आप देख पा रहे हो ना, ये सारा का सारा रीजन एक ही एरिया में है, ठीक है। और यहाँ से ये एरिया है जहाँ पे, अगर ये देखते हो आप नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के सामने जो है ना, ये एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक व्यू न्यू दिल्ली। तो इस एरिया के अंदर जो हमारी रिट्रीटिंग सेरेमनी होती है ना रिपब्लिक डे के बाद, वो इस एरिया में होती है, यहाँ पर, यहीं पर हमारा अमृत उद्यान है। देन फिर यही रास्ता सीधा चलता है, जो लोग दिल्ली के उनको पता होगा कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर अक्सर गुजरे होंगे। फिर ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है आप सामने, इंडियन बैंक का कुछ दिख रहा है, कर्तव्य पथ, इस जगह पर होती है रिपब्लिक डे की पूरी परेड। ये जहाँ जहाँ ग्रीन आपको दिख रहा है यहाँ पर लोग बैठते हैं, सारा व्यू होता है यहाँ पर। वी हैव दिस नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली का, वो भी इसी एरिया में है, कर्तव्य पथ। एंड देन आगे अगर सीधा जाते हो तो सामने इंडिया गेट आता है। तो इंडिया गेट और जो राष्ट्रपति भवन है, ये दोनों एकदम आमने सामने हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। दोबारा देखो, ये हमारा इंडिया गेट, ठीक है, इसके अब इंडिया गेट वाला जो रीजन है, यहाँ पर हम लोगों ने नेशनल वॉर मेमोरियल भी बनाया था रिसेंटली, और ये बिल्कुल इसके सामने सीधा सीधा जा करके हमारे पास ये राष्ट्रपति भवन है। तो दिस इज़ द होल सेंट्रल विस्टा रीजन।
इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। राइट नाउ जिस बिल्डिंग में हम लोग हैं, ये जो गोल वाली बिल्डिंग है ना, अगर आप देखोगे रिसेंटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना 64 योगिनी टेम्पल के बारे में, तो ऐसा माना जा रहा है कि उसका जो सर्कुलर शेप था ना, तो उसी से इंस्पायर होके जो हमारा प्रेजेंट वाला पार्लियामेंट बिल्डिंग था वो बनाया गया था, बट अब जो हमने नया बनाया हम लोगों ने वो ट्राइंगुलर शेप दिया है उसको। तो प्रेजेंट वाला जो है उसको बनाने में कुछ 6 साल लगे थे, उसको बनाया था सर एडवर्ड लुटियंस ने और हर्बर्ट बेकर ने, इन्होंने मिलकर बनाया था। 1952 के अंदर पहली बार हमारा पार्लियामेंट इसमें स्टार्ट हुआ था, पार्लियामेंट के सेशन स्टार्ट हुए थे। हमें नए पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट द चीप प्रोजेक्ट। जस्ट द बिल्डिंग वाला पार्ट ही समथिंग 1000 करोड़ के आसपास पड़ा है उसका, टाटा ने उसको बनाया था। तो हमारे पास ना सिटिंग स्पेस कम हो गया है, हमें ऐसा लग रहा है कि 2026 के बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो सीट्स वगैरह होती हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, तो हमारे पास जो MPs होंगे उनका नंबर इंक्रीज होगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने ना सीट को फ्रीज किया होता है, ये आप लोग पढ़ते हो अपनी इंडियन पॉलिटी की बुक में, तो उसमें डिलिमिटेशन कमीशन का भी कुछ कनेक्शन बनता है उसके साथ में, तो हम लोगों ने सीट को लिमिट किया हुआ, बट 2026 तक की वो लिमिटेशन, उसके बियॉन्ड सडनली हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना है, 1921 में बनाया गया था, 100 साल हो चुके हैं उसको, तो फायर सेफ्टी एक मेजर कंसर्न बताया गया था, क्योंकि जो बिल्डिंग थी ना वो फायर नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बनाई गई थी उस जमाने के अंदर। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना, उसका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफ़ी ऑब्सोलीट है, बहुत पुराना हो चुका है। साउंड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इतना बड़ा हॉल है, somebody is giving speech, ठीक है, कितना उसमें इको कर रहा है, किस तरह के उसमें रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं, किस तरह के उसमें साउंड सिस्टम लगाए गए, पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं। स्ट्रक्चर की खुद की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी बनाया गया था ना उस समय, अब आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना सीस्मिक जोन्स, किस एरिया में कितना अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं, तो जब भी बनाया गया था तो उस समय पर दिल्ली सीस्मिक जोन 2 में आता था, लेकिन अभी दिल्ली सीस्मिक जोन 4 में आ गया है। तो यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो बिल्डिंग है ना वो सीस्मिक 2 के हिसाब से बनाई गई थी, बट अब रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमें ज़्यादा मजबूत बिल्डिंग चाहिए। फिर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब पार्टीशन क्रिएट किए गए, वर्क स्पेस चाहिए होता है ना, तो जो भी वर्क स्पेस थे वो पुराने थे, वो इनएडिक्वेट थे, हमें उनकी नई की ज़रूरत पड़ी थी, दैट्स वाई वी हैव डन दिस थिंग। कॉन्सेप्ट जो है हमारे नए पार्लियामेंट को बनाने का और हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट का। एक भारत मतलब वन इंडिया, श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट, एक्सेलेंट वन। लोकसभा हॉल इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ नेशनल बर्ड। अब ये चीज़ है ना एग्जाम में कोई पता नहीं है, मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको UPSC बहुत डिटेल में पूछना चाहेगा कि भाई लोकसभा हॉल के अंदर कौन सी थीम है, बट मे बी कोई दूसरा स्टेट पीसीएस एग्जाम पूछ ले शायद। राज्यसभा हॉल के अंदर हम लोगों ने नेशनल फ्लावर जो हमारा लोटस है उसकी थीम बनाई है, नेशनल ट्री जो है वो लगाया गया है पार्लियामेंट पर, बाकी हमारा एक सिंगोल जो बहुत न्यूज़ में चल रहा था सेप्टर, वो रिसेंटली जो स्पीकर हैं उनकी चेयर के पास रखा गया। अच्छा, अब ये सेप्टर है ना क्या होता है, वो ना एक डंडा सा होता है, काइंड ऑफ इट्स अ स्टिक, ठीक है, वो क्या होता है, वो ना एक सिंबल होता है, वो बस सिंबॉलिक होता है कि जब पावर ट्रांसफ़र की गई थी ना ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो पावर को कागज़ पे तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन एक सिंबल के रूप में वो सेप्टर का यूज़ किया था। तो माउंटबेटन ने वो सेप्टर हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको हाथ में थमाया था, तो ये सिंबल था सिंगॉल। आपको समझ में आ गया सेप्टर और क्या होता है, तो आप लोगों ने मूवी देखी है कंग फू पांडा मूवी के अंदर जो वो होता है ना मास्टर उगवे, मतलब वो जो टॉर्टोइज होता है वो मास्टर उगवे होता है, तो जब वो जाता है ना छोड़ करके अपना बॉडी को लीव करता है, तो उसके पास एक बड़ा सा डंडा होता है, जो उसको हिंदी में अगर दंड भी बोलते हैं, दंड पनिशमेंट वाला दंड नहीं होता, अगेन वो एक डंडा सा होता है जो आप अथॉरिटी के रूप में कैरी करते हो, तो वो उगवे जो होता है ना वो मास्टर शिफू को देके जाता है। इन अ सेम वे अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी हुई ना एवेंजर्स की जो फर्स्ट मूवी आई थी जिसमें लोकी का बहुत बड़ा रोल था, तो लोकी जी के पास भी एक सेप्टर होता है जिससे कि वो टेसरेक्ट को एक्टिवेट करता है, जिसने मूवीज़ देखी वो समझ ही होंगे सेप्टर क्या होता है। फिर पार्लियामेंट के छत के ऊपर अशोक का पिलर लगाया गया था, बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा लगाया था, ये भी अगेन दोबारा न्यूज़ में कॉन्ट्रोवर्सियल में था। फिर हैंड वूवन कारपेट्स का इस्तेमाल किया गया है, 6 गेट हैं उस पर, वाटर लैंड स्काई, जो कि हमारे इंडियन सिविलाइजेशन किस तरीके से नेचर फ्रेंडली उसको डेडिकेट किया गया है। अशोक चक्र गेट पर बनाया गया है पार्लियामेंट हाउस के, उसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा सत्यमेव जयते लिखा गया है। नागपुर से कुछ लकड़ियाँ मंगाई गई थी, गुजरात से मार्बल मंगाया गया है, राजस्थान का जो स्टोन वर्क होता है, त्रिपुरा से बैम्बू का इस्तेमाल किया गया। तो आप देख रहे हो इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ऐड करके हम लोगों ने अपने पार्लियामेंट हाउस को फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, कंप्लीट इंक्लूसिव। मेन फीचर क्या है हमारी बिल्डिंग के, अगेन वही एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सबसे मेन फीचर है, ठीक है। तो आने वाले अगले 150 सालों के लिए इसको बहुत ही एक्यूरेट और एप्ट बनाने की कोशिश की गई है। जो ट्रायंगुलर डिज़ाइन था ये एक आर्किटेक्ट है जिनका नाम बिमल पटेल जी हैं, उनके द्वारा दिया गया था, वो पद्मश्री हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मॉडर्न है, अर्थक्वेक प्रूफिंग भी दी गई है इसके अंदर, पावर कंजप्शन को 30% तक रिड्यूस भी किया गया है, और ये कंप्लीटली पेपरलेस होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी ऐसा नहीं होगा कि हर कोई जो वहाँ पे MPs बैठे होंगे सब पेपर लेके बैठेंगे, थिंक चीज़ों को डिजिटलाइज कर दिया गया है, क्योंकि सबके पास स्क्रीन्स होंगी, सबको ट्रेन भी कर दिया जाएगा क्योंकि उन स्क्रीन्स को कैसे यूज़ करना है, बहुत ईजी टू यूज़ होती हैं वो, तो एक्चुअली क्या होता है ना ये पेपरलेस बनाने का, जब भी कोई बिल वगैरह आता था ना तो बिल की कॉपी हर एक सीट पर पहुंचाओ, हर बंदा उसको पढ़ेगा देखेगा उसके बेसिस पर डिबेट करेगा, अब क्या वो बिल वगैरह सबके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट हो जाएंगे, है ना, दे कैन रीड द बिल देयर इट्सेल्फ, काफ़ी स्पेशियस बनाया गया है, ठीक है, तो पिछली जो कैपेसिटी थी ना उससे 150 ऐड ज़्यादा कर दिया गया है, लोकसभा के अंदर, अब हमारे लोकसभा के अंदर 500 प्लस मेंबर्स होते हैं, तो ठीक है 600 सीट बना दो काफ़ी होता है, बट हमने लोकसभा को बढ़ा करके 888 MPs तक कर दिया है, राज्यसभा के अंदर हमारे पास 250 की लिमिट होती है, बट हमने क्या किया कि 384 कर दिया है, ठीक है, और कब को अगर जॉइंट पार्लियामेंट सेशन होगा यानी कि सब मिलकर के एक साथ बैठेंगे तो दोनों के लिए 1272 MPs 1272 MPs एक साथ एक हॉल में बैठ सकते हैं, ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये हॉल जब बनाया गया है तो ये हमारा इसमें सेंट्रल लाउंज है नया, ये हमारा लोकसभा का सेशन होने वाला है, और उसके बाद यहाँ पर हमारा दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, ये हमारा राज्यसभा है, बाकी साइड में ऑफिसेज वगैरह बनाए गए हैं उसकी फंक्शनिंग के लिए, तो काफ़ी सोच समझ के बनाया गया है और बहुत सुंदर भी बनाया गया है, कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग विजिट भी कर सकते हो, जो लोग दिल्ली में रहते हो ना, राष्ट्रपति भवन हो गया और वो जो अमृत उद्यान हो गया, मुगल गार्डन वगैरह जिसको बोलते थे पहले, उसका नाम चेंज कर दिया गया था, इन चीज़ों को ना विजिट कर लो, कर्तव्य पत्र, रिपब्लिक डे जब भी आता है आपके एग्जाम से पहले बहुत टाइम होता है, रिपब्लिक डे की परेड की टिकट्स मिल जाती हैं, बहुत सस्ती होती हैं, जाके उसको अटेंड करके आओ, आपका एग्जाम प्रिपरेशन में ना एक अलग लेवल का किक मिलता है आपको, कभी रैंडम होते तो आसपास घूमो, नीति आयोग के ऑफिस के पास जाओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वहाँ पर, बंगला साहिब वगैरह इनके आसपास जाओगे तो आपको सब में ये चीज़ें एक्चुअल जो रियल मोटिवेशन होता है ना वो इनसे आता है कि यार कल को मैं यहाँ काम करूँगा। अब जब ये नॉर्थ ये दोनों बिल्डिंग की अच्छा जो मैप मैंने दिखाया था आपको उस मैप के हिसाब से आप देखोगे ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहाँ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहाँ है, अगर आप यहाँ काम करोगे आप बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के सामने काम कर रहे होगे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है यहीं पर बिल्कुल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साइड में, वहीं पर नेशनल म्यूजियम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पे, तो दिस इज द एरिया वेर यू विल बी वर्किंग, अगर आप एक्सटर्नल अफेयर्स में जाते हो कल को आप सेक्रेटरीट लेवल पे काम करते हो, तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको रियल पुश देती हैं कि यार कल को मैं यहाँ काम कर रहा हूँगा, तो आई विल बी टेकिंग मोर अथॉरिटेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेयर, ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे बहुत रैंडम पूछ लिया गया था 64 योगिनी, कोई पढ़ के नहीं गया था, बट दैट क्वेश्चन वॉज सच एन सिंपल कि जिन लोगों का भी एग्जाम क्लियर हुआ था सब ने वो ईजिली सॉल्व कर दिया था, तो ठीक है ये टॉपिक खत्म करते हैं। UPSC के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा, मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा, 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रिलिम्स में भी मेंस में भी स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है, 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको, कोड्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स के लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रिलिम्स एंड मेंस में प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूजफुल होंगे, जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज को, तो ये जो माइंड मैप्स है इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं, सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया, एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे, सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ NGOs को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज को लेकर, वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर वुमेन इन जुडिशरी, वुमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, CBI वर्सेज स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर, दीज आर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ, जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है
एंड देन वी हैव एंशियंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो, तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल हैं। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज्म को लेकर भी हैं ये टॉपिक्स पूछ आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप्स हैं जो आपको ईजिली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूजिक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उन सबके नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान की रिलेशनशिप को देख लो, आप इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसके क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह, सो ऑल द कॉन्टेंट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टू UPSC सिलेबस जो प्रिलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है एंड देन डायनामिक कॉन्टेंट इज ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इशूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था, इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ, तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज कौन सी, कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्टेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज वगैरह को लेकर। सो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे नो डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है, एंड अपनी नीड्स के हिसाब से, इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स ही याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM के, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे अक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से, 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो, कुछ कुछ में तो एक चीज़ के दो दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी हो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे, देखोगे तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीम हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिशी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया, तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी, देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते रहें, बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5-pronged अप्रोच यूज़ करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से, देन there are certain things like आप 5F mention करना चाहते हो कहीं पर, तो food, feed, fiber, fuel and fine chemicals, उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, discuss, debate, decide, disruption, from top down to bottom up, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं, 3S में skill, scale, speed, ऐसे more than 400 हैं जो different different, आप GS 1, 2, 3, 4 अपने optional में, SS में आप इस तरह के keyword यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास, और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3 P's में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है, 5 I's में इरीगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन, और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी, 3F मतलब फंड, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए डिफरेंट डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग।
आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो GS 1, 2, 3, 4 को कैसे ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो। और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है ये, जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा, उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना आप टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए, तो आपकी फर्स्ट डे का आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया, तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा, अच्छा ठीक है डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी और आपको इसमें एक हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की, उसमें एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है, आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते हैं से बाद में आपको क्या रिपीट करना है ताकि आप भूलो ना। देर आर मेनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम, तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा, यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं, GS 2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको, तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत इजीली इसमें सर्च कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडनवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखो तो दोनों तरीके से हैं, ये टाइप वाइज हैं लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशियंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे, ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है, तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोर्ट्स वगैरह। अब जो कोर्ट्स हैं ना उनमें एक चीज़ दो चीज़ देखेंगे, एक तो टाइप वाइज हैं लाइक एजुकेशन के सारे कोर्ट्स हैं ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारे कोर्ट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, अरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंगिंग द स्मॉलेस्ट कोर्ट्स, जैसे कि अगर आप ऑफरा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वूंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो, इवन GS 1, 2, 3, 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोर्ट्स हो सकती है ना मैक्सिमम पॉसिबल उनको पुटअप करने, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है, लंबे लंबे कोर्ट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एक्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं, बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी बताना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है, उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्जाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है, तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए, तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैंपल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था
वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियसर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन यूपीएससी हैंडी बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है, यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़ बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है यूपीएससी 50 का ये यूज़ कर सकते हो, ये सिर्फ आपको यूपीएससी हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज़ कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो। इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे, एक पे आपका पीडीएफ का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स पीडीएफ होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो, तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टामोजो या फिर यूपीएससी हैंड बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप एडमिन को कांटेक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो। तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना, सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज करो, अदरवाइज ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। टॉपिक नंबर 1.2 है हमारे पास, लॉ ऑन सेडिशन। रिसेंटली 22nd लॉ कमीशन की ना एक रिपोर्ट आई थी, 279th रिपोर्ट, तो उसमें उन्होंने कहा था कि लॉ ऑफ सेडिशन को ना हम लोग रिटेन करना चाहते हैं, उन्होंने इसके रिटेंशन पर बात कही थी। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे लॉ कमीशन के बारे में क्या रिपोर्ट थी, लॉ ऑफ सेडिशन होता क्या है, और आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कहाँ काम आएगा, मेंस में, प्रीलिम्स में, और लाइफ में इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ हो सकती है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड उसका क्रिटिसिज्म, कैसे जुडिशरी ने इसको इंटरप्रेट किया था, कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो लॉ कमीशन ने दिए थे कि भाई इसको रिटेन करके रखो सेक्शन 124 को। रिकमेंडेशन आई है क्या लॉ कमीशन के अकॉर्डिंगली, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, लॉ कमीशन का प्रपोजल क्या है, कुछ और भी सजेशन हैं इसी के संबंध में। तो सिंपल है, हमारा जो इंडियन पिनल कोड है जो IPC है 1870 में लिखा, उसमें एक सेक्शन है 124, उस सेक्शन को ही हम लोग लॉ ऑन सेडिशन बोलते हैं। सेडिशन का अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ ना, तो अगर आप किसी की निंदा करते हो, जैसे आप खासकर की गवर्नमेंट की जब निंदा करोगे, आप बोलोगे यार ये गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, धोखेबाज है, करप्ट है, फलाना है फलाना है, पैसे लेते हैं वोट के टाइम पर ही बोलते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट की निंदा कर रहे हो। जैसे हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस टॉपिक पढ़ा, हम लोगों ने न्यू पार्लियामेंट के बारे में जब पढ़ा, तो जब न्यू पार्लियामेंट को इनॉग्रेट किया गया तो बहुत शोर हुआ था, ये गवर्नमेंट पैसा बहुत खर्च कर रही है, टैक्स का पैसा है, ये लोग अपना बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, क्या पॉइंट था बिल्डिंग बनाने का, कोई भी बना, वो तो जरूरत नहीं थी, इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया। तो एक तरीके से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वहीं पर अगर डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड पढ़े, शब्दों से या बोल कर, लिख कर, है ना, या विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आप किसी के प्रति नफरत या घृणा, निंदा की कोशिश करते हो ना, इसके कारण एक डिसअफेक्शन क्रिएट होता है, है ना, वो खास करके ऐसी जो बॉडी वगैरह जो गवर्नमेंट के कानून के द्वारा एस्टैब्लिश की गई है, उसी को बोलते हैं सेडिशन। अब जुडिशरी की अगर बात करते हैं, जुडिशरी ने इसको कैसे कैसे इंटरप्रेट किया था, थोड़ा ही जान लेते हैं, ये केसेस सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, डू नॉट मिस दिस केसेस, ये नोट्स में होने चाहिए आपके। एक केस आया था 1950 का, रोमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नमेंट को जब आप निंदा करते हो, क्रिटिसाइज करते हो ना, उसके कारण क्या होता है ना कि कुछ लोगों के मन में ना हीन भावना आती है सरकार के प्रति, है ना, बैड फीलिंग्स क्रिएट होती है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक देंगे। ठीक है भाई, आपके पास एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और उसका गवर्नमेंट के पास एक अपनी फीलिंग आ रही है, उसका मतलब ये नहीं कि लोगों को बोलना बंद करा दो। गेटिंग इट, सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही थी। फिर 1962 में 12 साल बाद एक केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का भी कोई केस चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ सेक्शन 124 यानी कि लॉ ऑन सेडिशन इज ओके, दिस इज ठीक है। उन्होंने कहा था कि स्टेट को ना प्रोटेक्शन चाहिए होती है भाई अपनी सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए, इसलिए इस तरह का कानून होना जरूरी है। इस तरह के कानून के तहत गवर्नमेंट क्या करती है, आपको जेल में डाल सकती है। अगर आपने गवर्नमेंट के ऐसे क्रिटिसिज्म किया, गवर्नमेंट आप पे लॉ सेडिशन का चार्ज लगा करके आपको जेल में डाल सकती है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, ये तो कभी कभी गवर्नमेंट को अपनी सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी भी होता है ना। तो उन्होंने कहा कि इट इज सेड ओनली स्पीच दैट इज लाइकली टू इंसाइट पब्लिक डिसऑर्डर वुड क्वालिफाई अ सेडिशन। उन्होंने कहा कि आप ऐसी कोई बात भड़कीली बात कहते हो जिसके कारण पब्लिक में एक डिसऑर्डर हो जाता है ना,
कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तब आप उस सेडिशन को अप्लाई करो ना, अदरवाइज कोई बोल रहा है तो बोलने दो जब तक वो बोल रहा है। 2021 में बहुत ही रिसेंटली विनोद दुआ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के पास अधिकार है कि वो गवर्नमेंट की निंदा कर सके, क्रिटिसाइज कर सके, है ना, सरकार के द्वारा अपने फंक्शंस के द्वारा जो भी कदम उठाए गए थे उनकी निंदा की जा सकती है, एज लॉन्ग एज आप गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी एस्टेब्लिश लॉ के अंडर आप कोई वायलेंस क्रिएट ना कर रहे हो। आप गवर्नमेंट को बोल सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन आप वायलेंस क्रिएट मत करो। अगर आपने वायलेंस क्रिएट किया तो गवर्नमेंट डेफिनेटली सेक्शन 124 का इस्तेमाल कर सकती है, ये कोर्ट परमिशन देता है। बिल्कुल रिसेंटली 2023 का केस है SG वंबतकरे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उनके जितने भी ट्रायल्स हैं, अपील्स हैं, प्रोसीडिंग्स वगैरह हैं, जिनके ऊपर भी सेक्शन 124 लगाया गया था, दे हैव टू बी कैप्ट इन अबेयंस। व्हाट इज अबेयंस? उनको थोड़ा सा टेम्परेरी डिसयूज में रखा जाए कुछ टाइम के लिए, ठीक है। वो इसलिए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सेक्शन 124 चल रहा है ना IPC का, ये फिलहाल का जो सामाजिक बदलाव हमारा आ रहा है ना उसके हिसाब से मैच नहीं कर पा रहा है। बहुत पुराना है ना, कब का बनाया हुआ है IPC, तब अंग्रेजों ने इसको डिसाइड किया था कि हम लोग, अंग्रेजों ने तो इसकी शुरुआत की ही इसलिए थी कि भारतीयों का दमन करके रखेंगे, है ना, लोगों को बोलने नहीं देंगे, इनको दबा के रखेंगे, द मोमेंट एक गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलेंगे इनको हम लोग मारपीट के जेल में डाल देंगे। शुरुआत तो इसकी उसी तरीके से हुई थी, बट अब समाज बदल चुका है ना, आफ्टर 1947 थिंग्स हैव चेंज्ड, इट्स 2023, 75 ईयर्स से ऊपर होने जा रहे हैं। समझते हैं कि क्रिटिसिज्म क्यों है सेडिशन लॉ का, एक तो इसकी डेफिनेशन को लेकर ही है। 2015 का एक केस था श्रेया सिंगल केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वेग और ओवरब्रॉन्ड ऑफेंसेस जो है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनके हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई इन कारणों से हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक देंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सही बात बोल रहा है। देखो ये जो केसेस है ना, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, एक तो श्रेया सिंगल वाला याद रख लेना, और आप ये लास्ट वाले दो जरूर याद रख लेना, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन केस पक्के पक्की बात है कि आप इनको कहीं ना कहीं एग्जाम में लिख लोगे। चिलिंग इफेक्ट ऑन द डिसेंट, ये भी एक कारण था। उन्होंने कहा कि डिसेंट मतलब क्या होता है, आपकी जब आप एग्री नहीं करते बाकी लोगों से, ठीक है, तो चिलिंग इफेक्ट का मतलब होता है उसको रोकने की कोशिश करना। अब लोगों को डर होता है कि यार अगर मैंने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना न्यूज़ में कभी कभी कोई कुछ मिनिस्टर के प्रति, चीफ मिनिस्टर, MPs के प्रति या फिर प्राइम मिनिस्टर के प्रति सोशल मीडिया पर बोल देता है, तो गवर्नमेंट उन पर कुछ चार्ज लगा देती है, तो लोगों को डर होता है। इस कारण क्या होता है कि व्यक्ति ना अपना मत, अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं करता, उसको डर लगता है यार मैं जेल में चला गया तो। कन्विक्शन रेट बहुत कम पाया गया, कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, उसको अपराधी घोषित करना। तो जो भी हमारा कन्विक्शन रेट होता है ना, वो 3 से 33% तक ऊपर नीचे होता रहता है। अब यानी कि 100 लोगों के खिलाफ केस फाइल किए जाते हैं, 3% ही उसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं कि हाँ इनको दोषी करार दिया गया, और मैक्स टू मैक्स 33%, यानी कि देर इज अ ह्यूज अमाउंट, मोर देन 65% ऐसे केसेस होते हैं जो कभी दोषी करार किए नहीं जाते सरकार के, कोर्ट के द्वारा, है ना। और पेंडेंसी, कितने केस पेंडिंग चल रहे हो, तो बहुत हाई चल रहा है, 95% के आसपास तक चल रहा था। मिसयूज़ के भी एलिगेशन आते हैं, कभी कभी जो ट्रायल प्रोसेस होता है उसमें बेल मिल पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है, लंबे समय तक चल जाती है। तो इससे क्या होता है ना कि कुछ जो निर्दोष लोग होते हैं उनका बहुत हैरेसमेंट होता है भाई, उनका करियर कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन लेते हैं कि गवर्नमेंट ने उस पर चार्ज लगा दिया लेकिन वो व्यक्ति निर्दोष था और लंबे समय से उसका ट्रायल चल रहा है, मुकदमा चले जा रहा है, अरे भाई उसकी तो प्रॉब्लम होगी ना, बेल तो आप दे नहीं रहे, जमानत आप उसको दे नहीं रहे हैं, उसका केस चले जा रहा है, वो कस्टडी के अंदर है, और उन्हें पता चलता है कि 3-4 साल बाद वो निर्दोष साबित होता है। ये एक प्रॉब्लम है ना, एलिगेशन से मिसयूज़ भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही किया था विनोद दुआ के केस के अंदर, उन्होंने FIRs को ही क्वैश कर दिया था, ओके। फिर दूसरे कानून है हमारे पास, है ना, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह के लिए है, सेक्शन 144 आता है CPC का। तो जिसको किसी को, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश की अखंडता और एकता को अगर थ्रेटन करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए हम लोग इन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं, सेक्शन 144 वगैरह से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ना, तो एक सेपरेट लॉ लेके आने की ज़रूरत नहीं है हमको। फिर ऐसा भी देखो, UK ने, अंग्रेज ने, ब्रिटिशर्स ने इसको शुरुआत की थी, उन्होंने अपनी कंट्री में ही इसको ऑफिशियली रिपील कर दिया 2009 के अंदर। ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, उन्होंने भी इसको रिपील कर दिया था। तो भारत के अंदर ये अभी तक क्यों चल रहा है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आप लिख सकते हो कि हाँ भाई हमको सेडिशन लॉ को हटाना चाहिए। बट लॉ कमीशन ने कहा है कि नहीं, इसको थोड़ा रिटेन करो, अभी रखो इसको। क्यों रखो? तो यही तो हमारा टॉपिक है, न्यूज़ में यही तो लिखा गया ना कि लॉ कमीशन 22nd जो लॉ कमीशन है उसने एक रिपोर्ट निकाली, उसने कहा था, उन्होंने रिकमेंड किया है इस लॉ को रिटेन किया जाए। ठीक है भाई, देखते हैं जरा हमारा लॉ कमीशन क्या कहना चाहता है। वो कह रहा है कि भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी, ठीक है, एकता और अखंडता के लिए भी ज़रूरी है ये। उन्होंने कहा कि बहुत सारे एंटी नेशनल और जो सेसेशनिस्ट होते हैं, है ना, अब एंटी नेशनल आप समझते होंगे, सेसेशनिस्ट मतलब जो अलगाववादी भावनाएं होती है ना कि देश के इस हिस्से को अलग कर दो, जम्मू कश्मीर को अलग कर दो, केरला को अलग कर दो, मणिपुर को अलग कर दो, पंजाब को अलग कर दो, मध्य प्रदेश आते हैं, विचारधारा उठती रहती है अलग अलग तरह की, ऐसे लोगों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा लॉ कमीशन ने बोला।
फिर लॉ कमीशन ने कहा कि सेडिशन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है अंडर आर्टिकल 19। ओके, उन्होंने कहा अब आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स के एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर, ठीक है, और प्रीलिम्स में तो फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन आते ही, दो तीन कोई ऐसा साल दिखा दो जहाँ फंडामेंटल राइट पर क्वेश्चन ना थे। तो उनका फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये हमारे आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये अपने आप में ना ये फंडामेंटल राइट जो है ना एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, और लॉ ऑफ जो सेडिशन होता है ना इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाने में काम करता है। देखो कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, आप ये नहीं कह सकते कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आप जा करके किसी को कुछ भी बोलते रहोगे, कहीं तो लिमिट लगानी पड़ेगी ना, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी पर भी कहीं लिमिट तो लगती है, उसे बोलते हैं हम लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो उन्होंने यही कहा, लॉ कमीशन बोल रहा है कि इस वाले पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट के ऊपर सेडिशन का जो कानून है ना ये एक लिमिटेशन का काम करता है, तो जरूरी भी होता है उस तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की थी। फिर उन्होंने कहा था कि जो काउंटर टेरिटरी आप लोग मतलब एक एक्सक्यूज दिया गया था ना कि भाई दूसरे भी तो कानून एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा भाई ये जो काउंटर टेरर के जो लेजिस्लेशन है ना जो कानून है टेररिज्म वगैरह के, ये सेक्शन 124 की जगह ले ही नहीं सकते हैं, है ना, तो इसकी अगर आप 124 हटा दोगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट के प्रति कोई वायलेंस भी तो कर सकता है, है ना, दूसरे जो कानून वगैरह होते हैं उनका मिसयूज़ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे हमारा UAPA हो गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, NSA का हो गया, इनके भी इनके अंडर भी चार्जेस लगाए जाते हैं लोगों पर। द लॉ टू बी जस्ट इंडिपेंडेंटली एंड नॉट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ कॉलोनियल लीगेसी। एक रीज़न ये दिया गया था कि ये जो कानून है ना ये कॉलोनियल है, अंग्रेजों का बनाया हुआ है, तो लॉ कमीशन कह रहा है कि देखो एक काम करो, इसको सिर्फ कॉलोनियल लीगेसी से मत देखो, इसको इंडिपेंडेंट एक लॉ की तरह भी देखने की कोशिश करो, इसकी रिक्वायरमेंट को भी देखो। हाँ एक कारण है, लॉ कमीशन एग्री करता है कि ये कॉलोनियल है, बट सिर्फ कॉलोनियल ही नहीं है ना यार, उसके फायदे भी बहुत हैं, उसके रिस्ट्रिक्शन में बेनिफिट भी मिल रहा है जो ऊपर बता रहा है सारे पॉइंट्स में। उन्होंने कहा रियलिटी इज डिफर इन एवरी ज्यूरिसडिक्शन। ओके, बाकी जो देश थे जैसे हम लोगों ने देखा कि UK, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया में हटा दिया गया था, ठीक है, वो कह रहे हैं कि उन देशों की ना अपना खुद का एक ज्यूरिसडिक्शन है, उनकी अलग हिस्ट्री है, उनकी अलग ज्योग्राफी है, अलग पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि कुछ गवर्नमेंट ऐसी भी वहाँ पर जिन्होंने अपने सेडिशन लॉ को अपने काउंटर टेरर के लेजिस्लेशन का जो टेररिज्म के एक्ट होते हैं उनके साथ मर्ज कर दिया है, हटाया नहीं है, ठीक है, तो कह रहा है कि भारत की जो परिस्थिति है ना उस परिस्थिति में उन कंट्रीज का जो स्टेप है वो लेना ठीक नहीं होगा, हमारी परिस्थितियाँ अलग है, हमारे यहाँ पर पाकिस्तान है बॉर्डर पे लगता है, हमारे यहाँ पे चाइना बॉर्डर पे लगता है, हमारे पास बॉर्डर इश्यूज हैं, इंटरनल इश्यूज होते हैं, हमारे पर नक्सलिज्म का भी इशू आ रहा होता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि लॉ कमीशन बोला कि यार आपने हमें बोला कि हम कि गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ करती है, उनका कि मिसयूज़ किसी भी चीज़ के लिए उसको हटाने का कारण नहीं बन सकता है, है ना, एक एडिक्यूट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स की तरह काम करता जरूर है, अगर हमने इसको पूरे तरीके से हटा दिया हो सकता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी, इट कुड हैव एडवर्स रेमिफिकेशंस ना भारत की सिक्योरिटी के लिए। तो क्या कर सकते हैं, तो लॉ कमीशन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक तो करंट सिनेरियो में फिलहाल क्या चल रहा है, केदारनाथ का जो 1962 वाला जजमेंट था क्या था, दोबारा से पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने कहा था कि स्टेट को अपनी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो अभी भी यही चल रहा है, ठीक है, कमीशन बोल रहा है कि भाई एज पर दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि गवर्नमेंट को अपनी सिक्योरिटी की जरूरत है अपने आप को स्टेबल रखने की। फिर करंटली जो हमारा ये लॉ ऑफ सेडिशन है ना सेक्शन 124A, इसमें आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। इसका मतलब या तो आपको उम्र कैद की सजा होगी या फिर आपको 3 साल तक की होगी, है ना, इसके बीच में कुछ नहीं हो सकता। फिर प्रोसीजरल सेफगार्ड तो कुछ है ही नहीं इसका, ठीक है, लेकिन लॉ कमीशन ने कहा हम कुछ प्रपोज भी कर रहे हैं साथ साथ। उन्होंने कहा कि हमने कुछ शब्द इसमें ऐड करना चाहते हैं इसकी डेफिनेशन में, जैसे कि विद अ टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस और कॉज पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, बिल्कुल से। उन्होंने कहा हम सेडिशन का चार्ज तब लगाएंगे जब हमें ये संभावना लगेगी कि हाँ इसके कारण कुछ हिंसा हो सकती है और कुछ पब्लिक डिसऑर्डर भी हो सकता है समाज के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी, तभी हम लोग सेडिशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये लॉ कमीशन ने प्रपोजल भी दिया है। कमीशन ने ये भी कहा कि हम लोग जेल टर्म को 7 साल तक बढ़ाना चाहते हैं या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक। उससे क्या होगा ना, जो जजेस होते हैं ना उनके पास थोड़ा सा ऑप्शन बढ़ जाएंगे केस को सॉल्व करने के लिए कि भाई ठीक है यार 3 साल तो बहुत कम लग, या तो 3 साल कम दे दो या फिर सीधा ही लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो, बहुत डिफिकल्ट है ना उनका कि 7 साल पे इसको लेके आना चाहते हैं, तो जजेस के लिए भी ईजी हो जाएगा जज करना। उन्होंने बड़ी सही बात कही, एक लॉ कमीशन ने उन्होंने कहा कोई भी FIR रजिस्टर नहीं की जाएगी किसी भी सेडिशन में अनलेस जो पुलिस ऑफिसर होगा वो इंस्पेक्टर के रैंक का ना हो, तो यानी कि अगर आपको सेडिशन की FIR करनी है तो एक इंस्पेक्टर ही उस FIR को लिख सकता है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2018 में लॉ कमीशन ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला था सेडिशन का, उसमें उन्होंने बताया था कि बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, ट्रेनिंग और अवेयरनेस पुलिस ऑफिसर्स की खास करके, ये सजेशंस हैं, दिस कैन बी रिटन, ये टॉपिक इग्नोर मत करना, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और सेडिशन बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए होता क्या है, बाकी ये एक दो केसेस जो मैंने आपको बताए थे
62 वाला बताया था, वोमिट करे वाला, श्रेया सिंगल का, मैंने तीन केसेस बताए, इनको ज़रूर लिख लो। बाकी ये दो विनोद दुबे एंड रोमेश थापर का आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। डू नॉट स्किप दिस टॉपिक एट ऑल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऊपर वाला जो था ना पार्लियामेंट वाला, वो बेशक से नहीं कुछ याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये टॉपिक तो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेहद, बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ तो गलती मत करना स्किप करने की। वी हैव टॉपिक नंबर 1.3, ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स, GRAI। तो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया एक इंडेक्स। हम लोग जानेंगे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म GRM के बारे में, है ना, क्या है ये पूरा का पूरा, व्हाट इज़ ऑल दिस, व्हाट आर दिस 10-step रिफॉर्म्स, क्या इश्यूज हैं हमारे पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम में, ग्रीवेंस क्या होता है, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स उसको मजबूत करने के लिए। तो आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, शिकायत निवारण केंद्र, ठीक है। तो आप एक सिटीजन हो, आप बहुत सारी गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे होते हो, लेकिन आपको किसी सर्विस में शिकायत होती है और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के ऊपर आपको कंप्लेन करनी होती है, तो आप क्या करते हो, गवर्नमेंट के पास अप्रोच करते हो, जैसे कंज्यूमर के फोरम ही होता है। आप कुछ मार्केट से खरीदते हो लेकिन आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट ख़राब था, कुछ लोग खाना मंगाते हैं, खाने में कुछ ऐसी कीड़ा, कोई बैक्टीरिया, कोई हार्मफुल माइक्रोब आ गया, आप बीमार पड़ जाते हो, आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करते हो, है ना, आप ऑनलाइन को पेमेंट करते हो रह जाती, तो व्हाट आर यू डूइंग एज अ सिटीजन, आप शिकायत करके उस चीज़ को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो सेकेंड ARC की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा था कि GRM जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है और ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को सिटीजन सेंट्रिक बनाएगा, कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा काम कर रहा है वो सिटीजन को, नागरिक को ध्यान में रखते हुए अपनी फंक्शनिंग पे काम करेगा। दो नोडल एजेंसीज हैं जो पब्लिक ग्रीवेंसेस को, है ना, जनता की शिकायतों को हैंडल करती हैं, वह DARPG जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस के अंडर, और हमारा डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज जो आता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, कल को आप इन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होंगे। इधर यू बिकम IAS, यू बिकम IPS, यू बिकम IFS, वट एवर यू बिकम, देर इज़ वेरी हाई चांस कि जब आप सीनियर लेवल पे जाते हैं, आप सेक्रेटरीट लेवल पे जाते हैं, तो आप इन मिनिस्ट्रीज के साथ ऐसे ऑफिसेज में काम कर रहे होते हैं। तो अभी एक हम लोगों ने इंडेक्स बनाया इसी चीज़ का। देखो इंडेक्सिंग में क्या करते हो आप, अपनी स्कूल में बुक्स में नोटबुक्स में इंडेक्स होते थे, इंडेक्स में क्या होता है, अभी हम लोग ये मैगजीन कर रहे हैं, इस मैगजीन का हम लोगों ने इंडेक्स देखा, इस इंडेक्स में क्या किया गया है, हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिया ना यहाँ पर, अच्छा ठीक है, पॉलिटी के सारे टॉपिक्स ऐसे ऐसे मिल जाएंगे इस पेज नंबर पे, यहाँ से यहाँ तक है, अच्छा कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट भी हैं 7 टॉपिक, IR के टॉपिक हैं थोड़े से, फिर हमने देखा इकॉनमी, अच्छा इकॉनमी के टॉपिक बहुत ज़्यादा है, तो आपने इंडेक्स में क्या किया, हम लोगों ने एक एनालिसिस कर लिया, एक आइडिया लगा लिया। वैसे ही ये ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी एक हम लोगों ने आइडिया लगाने के लिए एक इंडेक्स प्रिपेयर किया गया। तो इसको DARPG ने ही प्रिपेयर किया है, इसमें 10 स्टेप के CPGRMS, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम का एक बनाया गया पार्ट। एम क्या था ना, ऑर्गेनाइजेशन वाइज ना कुछ कंपैरेटिव पिक्चर निकालेंगे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर काम कर रही है भाई, कौन कितनी एफिशिएंट है, किसको अपना फीडबैक पे काम कर पा रहा है, किसका डोमेन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कमिटमेंट क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 89 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की ना रैंकिंग करेंगे, और हम लोगों ने देखा है कि एवरेज जो डिस्पोजल टाइम था ना सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट का, वो इम्प्रूव हुआ है। 2021 में किसी भी चीज़ को डिस्पोज करने के लिए उनको 32 दिन लगते थे एवरेज, 2022 में वो 32 से कम होकर 27 हो गया। ये अगर आप देखो ना, एक साल में 5 दिन का डेवलपमेंट, ये बहुत तेज है, क्योंकि आपने एवरेज की बात की है यहाँ पर, तो एवरेज के हिसाब से देखोगे तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे होंगे जो 32 से इसमें 21 पे भी गए होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो 32 से 31 पे भी गए होंगे, बट एवरेज हमने 27 निकाला, तो इट्स अ गुड नंबर। अब ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म होता क्या है, तो CPGRAM क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर जो भी सिटीजन्स होते हैं, परेशान होते हैं, वो अपनी शिकायतें यहाँ पे दर्ज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी हैं, है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, लोकपाल सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट के लोकायुक्त भी होते हैं, आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं अपने पॉलिटी में। फिर RBI अपना बैंकिंग के लिए होता है, RBI ने क्या किया था, ओम्बड्समैन बनाए थे, ओम्बड्समैन भी यही करते हैं, शिकायतों को दर्ज करते हैं, है ना, ओम्बड्समैन की इंटीग्रेटेड स्कीम आई थी आप लोगों ने 2023 से पहले हम लोगों ने पढ़ी थी वो। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, गुजरात का एक प्लेटफॉर्म है स्वागत, आंध्र प्रदेश ने अपना स्पंदन बनाया है, राजस्थान का एक राजस्थान संपर्क है, ओडिशा का भी है ई अभिजोगा करके। तो ये सब क्या है, प्लेटफॉर्म है जिसके तहत अपनी शिकायत वगैरह आप दर्ज करते हैं। CPGRAM में हम लोगों ने देखा था कि 7.0 जो था उसको यूनिवर्सलाइज करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, सारी रीजनल लैंग्वेजेस में होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये, इंडेक्स प्रिपेयर होगा, फीडबैक का कॉल सेंटर बनाया जाएगा, सिटीजन सर्विस सेंटर जो होते हैं हमारे वहाँ पर CPGRAM को ऐड किया जाएगा, सेवोत्तम कैपेसिटी बिल्डिंग, सेवोत्तम जनरली आप लोग एथिक्स में पढ़ते हो अपना, या फिर जिन लोगों के पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल होता है वो लोग पढ़ते हैं, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होंगी, डेटा स्ट्रेटजी यूनिट्स बनाए जाएंगे, वन नेशन वन पोर्टल बनाया जाएगा, यू सी ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन।
तो इशू क्या है, हमारा जो पहले से जो ग्रीवन सिस्टम था शिकायत वाला, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? लोगों को पता नहीं था उनके कुछ अधिकार हैं, है ना, उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अधिकार है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा था, आप उसको ठीक करवा सकते हैं। जिम्मेदारी है कि आपने कुछ गलत होते हुए देखा तो आप किसकी शिकायत करें। जुडिशरी के ऊपर ना बहुत सारा बर्डन हो जाता है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती जुडिशरी की, वो डिपार्टमेंट लेवल पर सॉल्व हो सकते हैं, बट डिपार्टमेंट अगर एक्टिव नहीं होता तो क्या होता है, केस जाता है जुडिशरी में, वो पेंडिंग हो जाता है। कितने करोड़ों केस हमारे पास पेंडिंग चल रहे हैं। तो व्हेन वी हैव अ सक्सेसफुल सिस्टम ऑफ ग्रीवेंस ना, जुडिशरी का जो बर्डनिंग है वो कम हो जाएगी। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई मिनिस्ट्री किसी तरीके से काम कर रही है, किसी का डिस्पोजल टाइम 10 डेज का है, किसी का 30 डेज का है, कुछ साल भर भी लगाती हैं, कुछ तो एक्सेप्ट नहीं करती, कुछ फीडबैक लेती नहीं है। तो ये जो वेरिएशंस है ना, इनको ख़त्म करना होगा हमें। नॉन स्टैट्यूटरी बैकअप, अभी तक हम लोगों ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जहाँ पर ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म को ऊपर किया जाए। जैसे RTI को लेकर तो हम लोगों ने कानून बना दिया था, बट वी हैवंट डन द सेम थिंग फॉर GRM। ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, ऐसा कोई स्टाफ या रिसोर्सेज जो सिर्फ शिकायत के लिए बैठा रहे, ठीक है, नहीं होता ना। आप कहीं अगर मार्केट में भी जा रहे होते हो तो मार्केट में कहाँ आपको ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म मिलता है? वही सेम शॉपकीपर कोई बोल देता है भाई ये तुमसे सामान ले गए थे इलेक्ट्रिक और ये काम नहीं कर रहा, वही हैंडल करता है। वी नीड टू गवर्नेंस में ये चीज़ें ज़्यादा लेवल पर बड़ी होती हैं, तो हम स्पेशल स्टाफ और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो CP Gram इज़ नॉट बिहेविंग एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है। तो हुआ ये था ना कि जब पहले वाले जो डिपार्टमेंट्स वगैरह एग्जिस्ट कर रहे थे उनके अंदर वो चीज़ों को टाइमली डिस्पोज नहीं कर पा रहे थे, या फिर जब फॉरवर्ड करना कि यार ये तो मेरा नहीं है, इसको किसी और के पास जाना चाहिए, मेरे सुपरवाइजर के पास, या फिर मे बी इन टू द पैरेलल डिपार्टमेंट, दो थिंग्स वर नॉट हैपनिंग प्रॉपरली। फिर अपनी कुछ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, अथॉरिटी कौन है, अकाउंटेबिलिटी कौन है, तो लाइक सेंट्रल इशूज़ दे नीड टू हैंडल एंड टेक केयर ऑफ। तो अभी क्या मेजर्स हैं जिसके कारण हम लोग अपने ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म को मजबूत कर सकते हैं? एक तो हमको ना वो एरियाज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ पर करप्शन जो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना, उनकी ऑडिटिंग हो रही है नहीं हो रही। द मोमेंट वी आइडेंटिफाई दोज एरियाज ना, इट बिकम्स ईजी। कैटेगराइजेशन, स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, नैरो डाउन द टारगेट, लोगों को जागरूक करो, ठीक है। नेशनल लेवल के ऊपर कैंपेनिंग हो, रीजनल लेवल पे लोकल मीडिया को बताओ कि भाई आप अपनी चीज़ों की शिकायतें दर्ज कर सकते हो, ये प्लेटफॉर्म्स हैं। सिविल सर्वेंट्स जो आप बनना चाह रहे हैं भविष्य में, आपका खुद का भी एक एटीट्यूड चेंज होना चाहिए ना। तो अगर आप इफेक्टिव तरीके से काम करते हो, सजेशन देते हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट अगर आपको रिवॉर्ड करेगी तो आप खुद भी जागरूक हो गया, ठीक है, मैंने एक स्टेप लिया और मेरे को रिकॉग्नाइज किया गया, तो आई शुड कीप टेकिंग मोर स्टेप्स लाइक दिस इन फ्यूचर। सेकंड, जो हमारी ARC रिपोर्ट आई थी उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, उन्होंने कहा था कि पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर्स होने चाहिए, जैसे हमारे पास RTI में पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ऑल ग्रीवेंस जो भी पटिशंस वगैरह होती है ना, उनको विद इन 30 डेज आपको डिस्पोज करना ही चाहिए। फिर उन्होंने कहा था कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑफिसर या फिर डिपार्टमेंट इन चीज़ों को नहीं मानता टाइम लिमिट वगैरह को, जो 30 डेज वगैरह की हैं, तो उनके ऊपर आप कुछ पेनल्टीज लगा दो कि भाई आपने ये काम क्यों निपटाया। फिर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी भी जो थी पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस वगैरह की 2021 में, उन्होंने भी कुछ सजेशन दिए थे। उन्होंने कहा था कि CP GRM जो है ना, इसको फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है, एंड जो भी मिनिस्ट्रीज हैं उनको रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए अपने ग्रीवेंसेज वगैरह को, प्रिंट में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। तो ये हो गया हमारे मेजर्स। अब आता है बड़ी कमाल की चीज़, वह सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये चीज़ आप लोगों के पास नोट्स में होनी चाहिए, डजंट मैटर आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल है या नहीं है, दिस इज समथिंग यू नीड टू हैव इन योर नोट्स, ठीक है, जो कि हमारा सेकेंड ARC की रिपोर्ट की चीज़ है, विच यू नीड टू मैंशन योर एग्जाम। ऑलराइट, क्या है, उन्होंने कहा था एज पर द सेकेंड ARC रिपोर्ट, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट है ना गुड गवर्नेंस के और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ये कनेक्टेड है। देखो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को भी अगर आप एग्जाम में लिखते हो ना एज पर सेकेंड ARC, दिस लाइन हैज मोर वैल्यू देन 5 नॉनसेंस पॉइंट्स, ठीक है। आधा पेज आप लिख दो उस पर बकवास लिख दो, कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी, लेकिन एक ये लाइन लिख देने के ना आपको शायद 4 से 5 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ARC रिपोर्ट को UPSC को इससे प्यार है, वो बहुत खुश हो जाता है एग्जामिनर जब देखता है अरे ये सेकेंड ARC को मेंशन किया है। गुड गवर्नेंस के ऊपर आपके पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दम। इसके अलावा भी उन्होंने कहा था कि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिटीजन सेंट्रिक बनाने के लिए हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, RTI है, सिटीजन चार्टर है, एवेल्यूएशन कर सकते हैं, सिटीजन का पार्टिसिपेशन हो सकता है। फिर RCI के और भी कुछ रिकमेंडेशन थे, है ना, कि सिटीजन चार्टर इफेक्टिव कैसे बनाना होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, रूल, रेगुलेशन सबके ऊपर फिट नहीं बैठेगा, सबके हिसाब से चीज़ों को अलग करना पड़ेगा। कंसल्टेशन करो सिविल सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ सलाह मशवरा करो। रिड्रेसल मैकेनिज्म डिफॉल्ट हो जाना चाहिए, है ना, सिटीजन चार्टर का पीरियडिक वैल्यू। अब सिटीजन चार्टर क्या होता है, वैसे आप अपने एथिक्स में पढ़ते हो ये GS4 के अंदर, ठीक है, लेकिन और GS2 में भी पढ़ते हो एक्चुअल में तो आप गवर्नेंस में, लेकिन चार्टर का मतलब यहाँ पर एक फरमान होता है, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट क्या करती है ना, अपने पास एक फरमान रखती है कि हम देश के नागरिकों के लिए किस तरीके से गवर्न करेंगे उनको।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लोक अदालत वगैरह इफेक्टिव हो सकती हैं, सिटीजन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है ना, ये आपके मेंस में हर बार आपको इसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट लिखना होता है। इसको अलग से नोट्स में पेस्ट कर लेना अपने, बता रहा हूँ सीक्रेटली बता रहा हूँ, मतलब सब तो देखेंगे भी नहीं इस वीडियो को सारी दुनिया, पर जिसने देख लिया ना इस बॉक्स को बहुत ध्यान से लिख लो, इसको याद कर लो पूरा का पूरा, रट लो अच्छे से ढंग से। वैसे आपके पास नोट्स में होना भी चाहिए ये इससे पहले भी, बट स्टिल। तो ये टॉपिक आपका मेंस का है, और मेंस में भी कहाँ का, GS 2 का मेंस का है, GS 4 के मेंस का है, और अगर आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल है ना तो फिर तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मेंस। सिलेक्शन तो मेंस ही करवाएगा, प्रीलिम्स तो बस एक ब्रेकर की तरह होता है, थोड़ी देर के लिए आपको धीरे कर सकता है, होल्ड कर सकता है, एक्चुअल में सिलेक्शन तो मेंस करवाता है, ध्यान रखो भूलना मत। वी हैव दिस टॉपिक नंबर 1.4, OTT रेगुलेशन इन इंडिया। OTT आप लोग इनको बोलते हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, जैसे आपका हॉटस्टार की ऐप हो गई, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, और भी बहुत सारी ऐप्स होती हैं, यू ऑल नो अबाउट देम। तो इनके रेगुलेशन को लेकर के ना बात की जा रही है। रिसेंटली जो डिजिटल पब्लिशर कॉन्टेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल है, उन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई अगर कोई OTT प्लेटफॉर्म हमारे IT रूल 2021 में कुछ उनके अगेंस्ट, प्रोविजन के अगेंस्ट करेगा तो हम एक प्यूनिटिव एक्शन लेंगे, ठीक है। हम लोग समझेंगे OTT क्या होते हैं, ये डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल क्या है, एट प्रेजेंट OTT को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है इंडिया में, एंड वे हेड क्या हो सकता है, चैलेंजेस क्या आते हैं OTTs को रेगुलेट करने के लिए। तो छोटा है, इजी टॉपिक है, और ये न्यूज़ में आया था, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड OTT क्या है। सिंपल समझ लो, ये मैंने डेफिनेशन बता दी, मतलब नेटफ्लिक्स इज़ OTT, ठीक है वो। लेकिन जब आपको एग्जाम में लिखना हुआ, अगर आ गया GS2 में क्वेश्चन, तो कैसे लिखोगे डेफिनेशन। OTT क्या है, सर्विसेज होती हैं जो व्यूअर्स को मूवी, TV शोज, बाकी मीडिया का डायरेक्ट एक्सेस देती हैं वाया इंटरनेट, जिसमें आपको केबल और सैटेलाइट सिस्टम को बाईपास कर देते हो, सिंपल है, ठीक है। राइट नाउ 43 मिलियन लोग हैं इसमें, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि 2023 के एंड तक 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स व्यूअरशिप बढ़ जाएगी यहाँ पर अभी। और ये जो साथ, चलो ठीक है, पहले हम लोग DPCGC को भी पढ़ लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। देखो इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनको इग्नोर मत किया करना, कह रहे ये तो बहुत ही नॉर्मल सा ही है, क्योंकि उसने एक बहुत बड़े एक इवॉल्विंग टॉपिक पर क्वेश्चन किया इस काउंसिल ने। OTT आने वाले टाइम के अंदर बहुत और बड़ा मार्केट ऑक्यूपाई करेगा, तो इस डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये काउंसिल जो है, ये गया था अंडर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है ना, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स के लिए, ठीक है। समझ गए, इतना ही काम था। IT रूल 2021 को फॉलो करना होता है ना, और बाकी रिड्रेसल का वगैरह का काम करता है, जो भी कुछ कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं उनका, ठीक है। राइट नाउ हमारे OTTs कैसे रेगुलेट किए जा रहे हैं, तो कुछ कानून है, एक हमारा IT एक्ट है 2000 वाला, इंडियन पिनल कोड अपना IPC है, और उसके अलावा हमारे पास 1986 का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। महिलाओं के प्रति अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें दर्शाई जाती है तो उनको रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए 2021 के हमारे जो ये एक्ट था 2000 वाला, 2021 में हमने उसके रूल्स को अपडेट किया था। तो गवर्नमेंट रूल्स लेके आई थी, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया के रूल्स लेके आई थी, है ना, एज अंडर दिस आर्टिकल। उसमें कहा था जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है ना, उसको काम दिया गया था कि आप रेगुलेट करोगे OTT का काम और सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को। इनके लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाया गया था। अब कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, अगर डिटेल में जानना होगा तो आपके पास ना जो आपका GS4 होता है ना, वहाँ पर आता है ये कोड ऑफ एथिक्स का टॉपिक, क्वेश्चन आ चुका है इस पर पहले मेंस में। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन न्यूज़ के लिए प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया के लिए भी कोड ऑफ एथिक्स लगाइए। फिर उन्होंने कहा कि जो आप लोग देखते हैं ना, ये कैटेगराइजेशन ऑफ की भाई, मतलब एज बेस्ड कैटेगराइजेशन होता है, किस तरह का कंटेंट है, कौन सी एज वाले देख सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि OTT वालों को भाई आप सेल्फ क्लासिफिकेशन कर लो, ठीक है। कुछ जगह पर पेरेंटल लॉक्स लगाए गए थे, ठीक है, जैसे कि 13+ वाले पे, इन सब पे उन्होंने कहा कि लॉक लगा दो, पेरेंटल लॉक, जब तक पेरेंट अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो बच्चा उनको नहीं देख सकता। फिर उन्होंने बात की थी को रेगुलेशन अप्रोच की। उन्होंने कहा था कि को रेगुलेशन मॉडल के अंदर ना, आप खुद जो OTT वाले हैं, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स ही है, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, अपने लेवल पर ना खुद रेगुलेट करो उसको, एक लाइट टच, एक सेल्फ रेगुलेशन करो। मिनिस्ट्री उसको ना एक ओवरसाइट मैकेनिज्म देगी, ऊपर से नज़र रखेगी आपके ऊपर, ठीक है, मिनिस्ट्री उसमें इनडेप्थ काम नहीं करेगी अभी। फिर उन्होंने ये भी कहा रूल में कि GRM बनाओ, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जस्ट प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया, आप समझ रहे होंगे। उसके लिए उन्होंने ऑफिसर की बात की, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज भी आप लगा सकते हो। तो जो 3-tiered मैकेनिज्म है हमारा OTT रेगुलेशन का, वो एक्चुअल में क्या है, लेवल 1 के ऊपर वो खुद को सेल्फ रेगुलेट करते हैं पब्लिशर, ठीक है, हॉटस्टार ऐप हो गया, प्राइम हो गया, अमेजोन वगैरह, अमेजोन नेटफ्लिक्स हो गया, खुद को रेगुलेट करते हैं, खुद ध्यान रखते हैं। लेवल 2 पर उन्होंने कहा एक सेल्फ रेगुलेशन करो, उसमें आप सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ बना लो,
आपस में मिलकर के एक बॉडी बना लो। थर्ड लेवल के ऊपर ओवरसाइट मैकेनिज्म जो कि मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाएगा। तो दिस इज हाउ दे आर रेगुलेटिंग themselves। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है ओटीटी को रेगुलेट करने में, यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जा रही होती है तो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए, अगर टू मच आप स्ट्रिक्ट हो जाओगे, मिनिस्ट्री बोलेगी ये कंटेंट मत दो वो कंटेंट मत दो, तो जो कंटेंट क्यूरेटर्स होते हैं ना, कंटेंट क्यूरेट करने का मतलब एक्चुअली क्रिएट करना ही होता है, इवॉल्व करना, जनरेट करना, फिगर आउट करना, उसको क्यूरेशन भी बोलते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, काम कैसे करेंगे वो लोग? कंप्लाइंस लो है, कानून तो आपने बना दिए लेकिन उनको फॉलो कौन कर रहा है, कंप्लाई कौन कर रहा है उनसे? बहुत ही कम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके पास अपने खुद के डिटेल्स नहीं होते उनकी वेबसाइट्स के ऊपर एड्रेसल वगैरह के लिए। प्रिवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन, प्रिवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन का तो हमारा बिल ही अटका हुआ है अभी तक, वही नहीं आया है। तो जब बिल नहीं होगा तो, और ऊपर हमने देखा कि ये लोग तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे भी देख प्रॉब्लम है, कंप्लायंस इशू है, तो फिर वो जाहिर सी बात है डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, यूज़र की प्रिवेसी को कैसे मेंटेन करेंगे। ज्यूरिसडिक्शनल इशूज़ भी हैं, कौन इन्फोर्स करेगा, कौन सा पर्टिकुलर लॉ लगाना है ना। फॉरेन एंटिटीज़ भी तो हैं इसमें, दूसरी कंट्रीज़ का भी तो डेटा आता है, नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया वाले थोड़ी मूवी बना रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ की भी बना रहे हैं, प्राइम पर भी, हॉटस्टार पर भी। तो टू मच ऑफ एंगेजमेंट, इंटरलिंकिंग, ग्लोबलाइजेशन भी होता है, तो भाई कौन ज्यूरिसडिक्शन देगा, इंडिया वाले देंगे या फिर बाहर वाले देंगे? अब मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल है कि भाई ये लोग हमारी बातों का, दिए हुए इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना। डिजिटल स्पेस बहुत बड़ा है, बहुत सारा कंटेंट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और वो रैपिडली बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, हर दिन आता ना कितना टीबी जीबी डेटा ऐड हो रहा होता है। तो हु इज़ गोइंग टू चेक इट, कौन ध्यान रखेगा कि वो सही है, जा रहा है नहीं जा रहा है? अभी आप देखो आज की डेट में, जैसे 2023, आप 20 साल पुरानी कोई मूवी देखो, ठीक है, 20 साल पुराने गाने सर्च करो यूट्यूब के ऊपर, उन गानों को देखो, आप उन गानों के लिरिक्स को देख करके, उनके डांस स्टेप्स को देखोगे, यार कितना वल्गर गाना था ये, और उस ज़माने में हम लोग गुनगुना लिया करते थे क्योंकि कोई इनको रेगुलेट नहीं करता था। आज लोगों को ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें लग रही हैं, तो वही प्रॉब्लम है। अभी इनको कौन मॉनिटर करेगा, क्योंकि डेटा इतना स्पीड से बढ़ रहा है, कितने मॉनिटरेशन लगाओगे आप? यूट्यूब के ऊपर अगर आप कोई ऐसी वीडियो अपलोड करते हो तो यूट्यूब के ऊपर एक टीम ऑफ सॉफ्टवेयर है, उन्होंने AI एल्गोरिथम्स बना रखे हैं, वो वीडियो को डिटेक्ट करके उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा है कि वो OTTs को, सारे OTTs को रेगुलेट कर लेंगी ऐसे? सो इट्स डिफिकल्ट एट दिस मोमेंट, इट नीड्स रिसोर्सेज, इट नीड्स सो मेनी अदर थिंग। तो हमको एक नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी लानी पड़ेगी इन OTTs के लिए, है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन कंटेंट जो है वो कन्वेंशनल कंटेंट से किस तरीके से अलग है, क्योंकि वेब कंटेंट थोड़ा सा लिबरलाइज्ड है। आप अगर मूवी दिखा रहे होते हो ना, तो अगर आप टीवी पे आपकी मूवी आती है, ठीक है, तो नेशनल टेलीविजन पर, उसमें अगर कोई कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, वो लोग उसे बीप कर देते हैं। कोई स्मोकिंग वगैरह करता है, उसके नीचे वो इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं। लेकिन आप वेब सीरीज़ में देखो, कोई बीप वगैरह नहीं होता है, कोई गाली दे रहा होता है तो ओपनली चल रहा होता है, ठीक है, और इंटीमेट सीन्स को बहुत एक्सेसिवली दिखाया जाता है। लेकिन टीवी के ऊपर बहुत हद तक लिमिटेशन होती है, किस तरह के ऐड कब दिखाने हैं, किस तरह के सीरियल्स कितने बजे के बाद दिखा सकते हो, देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस। तो हमें देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस टॉपिक पे ना क्रिएशन बहुत है, इनोवेशन होता जा रहा है, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। ऑडिटिंग टाइम टू टाइम करते रहें, बाकी जो भी हिस्सेदार होते हैं सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ गवर्नमेंट है, नो, रेगुलेटिंग बॉडीज़ को भी कंसिडर करो, फॉरेन एंटिटीज़ को भी कंसिडर किया जाए, एवरीवन शुड बी टेकन इनटू द पिक्चर। सो दिस टॉपिक हैज़ रेलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस में, है ना, रेगुलेशन के कुछ इशूज़ है, OTT क्या होता है, दिस इज़ फॉर द प्रीलिम्स। पूछ लेंगे आपसे DPCGC काउंसिल के बारे में, करंट मैकेनिज्म का पता होना चाहिए, नए IT रूल्स आए थे, हम लोगों ने भी कवर किए थे IT रूल्स, ही यू नीड टू रिमेंबर देम। तो ये टॉपिक है आपका, बाकी ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ फॉर मेन स्पेसिफिक ओनली। टॉपिक नंबर 1.5 है हमारे पास, न्यूज़ इन शॉर्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव एक्शन के बारे में। US का जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कॉलेज के एडमिशन्स में अफर्मेटिव एक्शन को थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया था। जरा जान लेते हैं अफर्मेटिव एक्शंस का मतलब क्या होता है। अभी के लिए ना आप मान लो इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन होता है ना, उसी को हम लोग अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। तो इंडिया में हम लोग लोअर स्टेटा, जो नीचे तबके के लोग होते हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए सोसाइटी में, जिन्हें हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं, हम लोग उनको अपलिफ्ट करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन का इस्तेमाल करते हैं, रिजर्वेशन वगैरह दे देना। USA के अंदर भी उस तरह के लोगों को जो हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेट किए गए थे बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उनके लिए उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है। भारत के अंदर ये फंडामेंटल राइट के तौर पर है, आर्टिकल 15 का क्लोज 4 और 16 का क्लोज 4 पढ़े होंगे आप लोगों ने, याद होने चाहिए यहाँ सारे क्लोज के साथ। USA के अंदर उनका सिविल राइट्स एक्ट है 1964 का, जिसके तहत उनके देश में किसी भी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कोटा की अगर बात करते हैं, इंडिया के अंदर हम लोग रिजर्वेशन 50% पे फिक्स किया हुआ है। एक केस आया था इंदिरा साहनी जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 50% कोटा होगा रिजर्वेशन, उसके बियॉन्ड नहीं होगा। किसके लिए? OBC, SC और ST के लिए, दोनों जगह, एम्प्लॉयमेंट में भी और एजुकेशन में भी। वहाँ पर डिपेंड करता है USA में ना, बहुत सारे स्टेट्स और इंस्टीट्यूट्स के होते हैं, उन्होंने कोई फिक्स नहीं कर रखा, कोई स्टेट कितना देगा, कोई स्टेट कितना देगा। सो अब समझ में आया अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या।
ये कॉन्सेप्ट जो था ना, बस पुराने जो हिस्टोरिकल पैटर्न थे प्रेजुडिस वगैरह के, उनको ख़त्म करने के लिए किया गया था। तो अभी उन्होंने कहा था, उनके एक्चुअली हुआ ये था ना कि वो लोग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में देते तो उनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थोड़ा सा इसको लिमिट कर दो आप, यानी कि रिजर्वेशन को थोड़ा सा कम कर दो बस। गवर्नर्स पावर, तमिलनाडु के जो गवर्नर थे उन्होंने गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट थी कि जो मिनिस्टर के पोर्टफोलियो थे उनको शिफ्ट किया जाए, उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो देखो, जो चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट लेवल पर, चीफ मिनिस्टर बाकी के मिनिस्टर्स को मिनिस्ट्रीज डिवाइड करता है, ठीक है। मिनिस्ट्रीज देने का मतलब ही होता है पोर्टफोलियो, किसी को वाटर का डिपार्टमेंट, किसी को होम मिनिस्टर, किसी को स्टेट का लॉ मिनिस्टर बनाना, उस तरीके से है ना। तो वो पोर्टफोलियोज होते हैं, कोई अर्बन डेवलपमेंट का काम करेगा, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनता है स्टेट लेवल पर, तो वो रिक्वेस्ट गवर्नर को दी जाती है कि भाई हम लोग ये शिफ्ट कर रहे हैं। तो तमिलनाडु के गवर्नर ने रिजेक्ट कर दी। अब आर्टिकल 164 जो है ना वो कहता है कि जो सीएम होगा उसको अपॉइंट करेंगे गवर्नर, और बाकी के जो मिनिस्टर होंगे वो भी गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन वो होगा सीएम की एडवाइस पर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जब गवर्नर के बारे में पढ़ रहे होते हैं। हालांकि जो स्टेट है वो कंप्लेंस दैट द एक्शन ऑफ द गवर्नर अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। अगर अब देखो, ये जो राज्य हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अपने मिनिस्टर को चेंज करना चाह रहे हैं, आप बीच में क्यों आ रहे हो, आप तो फेडरलिज्म के बीच में आ रहे हो, ठीक है। अब आगे फिर गवर्नर के बारे में है, ही इज एग्जीक्यूटिव जुडिशियल, जो आपकी बुक में पूरा गवर्नर का टॉपिक है, आपको पढ़ना ही पड़ता है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करो। इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो है, बहुत सारी कमिटीज़ है, राजबन्नर कमीशन, पंछी कमीशन, सरकारीय कमीशन, ठीक है, वेंकट चल्लीय कमीशन, इन सब ने कहा था गवर्नर और स्टेट्स के ऊपर, उन्हें बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे टू मेक द रिलेशनशिप बेटर, कि चीफ मिनिस्टर हो गया जो रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, एंड द गवर्नर जो रिप्रेजेंट करता है सेंटर को, इनकी रिलेशनशिप आपस में संबंध बेहतर होने चाहिए। तो ये पार्ट आप इस टॉपिक से याद कर लो। दूसरे केसेस वगैरह और ये एग्जीक्यूटिव क्या होता है, अपॉइंट करना है ना, उसकी पावर होती है जुडिशियल, ये सब आपके डिटेल में पढ़ना है, पूरा चैप्टर आपके लक्ष्मीकांत बुक में जो गिवन है। जनरल कंसेंट टू सीबीआई, ये टॉपिक 2021 में आया था शायद आपके मेंस के पेपर में, ठीक है। तमिलनाडु विड्रू जनरल कंसेंट अकॉर्डिंग टू द सीबीआई। अब देखो, मैं इस पूरे टॉपिक को समझा देता हूँ। सीबीआई क्या है? सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। इनके पास ना, जब ये सेंटर पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर बनाई गई थी, ठीक है। तो ये एक अटैच्ड ऑफिस बनाया गया था। तो ये क्या करता है कि जब किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है ना किसी एक्ट को फॉलो करने, किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। बट क्या होता है, एक जनरल कंसेंट, कंसेंट मतलब होता है सहमति, सहमति दी जाती है कुछ स्टेट्स के द्वारा कि ताकि सीबीआई अपने काम को सीमलेसली कर सके, बिना किसी बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जनरल कंसेंट बाय डिफॉल्ट मिलता ही है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जैसे वेस्ट बंगाल, मिजोरम, पंजाब, इन्होंने ना जनरल कंसेंट सीबीआई से विड्रॉ कर लिया था। अभी न्यूज़ में गया कि तमिलनाडु ने भी विड्रॉ कर लिया है। अब होगा क्या कि जनरल कंसेंट अगर नहीं होगा ना, तो जब भी सीबीआई उन स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा तो सीबीआई को उस स्टेट की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये केस है और इस केस के लिए हमें तहकीकात करनी है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने बोला, ऑर्डर दिया है सीबीआई को, ठीक है, और खास करके जहां पर किसी को आप रंगे हाथों पकड़ लेते हो ना रिश्वत लेते हुए, उन मामलों में कंसेंट वाला कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करता है, आप डायरेक्टली जा सकते हो। अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी, पंजाब की जो असेंबली थी उन्होंने पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल निकाला था, तो बिल ने उन्होंने जो उनके वहाँ पर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं डीजीपी, उनको अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर था उसको अमेंड कर दिया गया था। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर जो पुलिस है ना, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, जो कि 7 शेड्यूल में, हमारा जो 7 शेड्यूल है ना उसमें 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स वो होते हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवे हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन, जिस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। स्टेट का कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, कंकरेंट के अंदर दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती है, लेकिन अगर कोई उसमें डिस्प्यूट होता है, सेंटर बोल रही मैं बनाऊंगी और स्टेट बोलते मैं बनाऊंगी, तो फाइनली सेंटर की बात मानी जाती है। तो प्रोसीजर क्या है डीजीपी अपॉइंटमेंट का, तो वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी प्रकाश सिंह केस में 2006 में, तो उसके अकॉर्डिंगली तो उन्होंने कहा डीजीपी जो होगा स्टेट गवर्नमेंट के ही द्वारा चूज किया जाएगा, 3 जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होंगे उनके द्वारा, और उसमें एक उन्होंने ये भी कहा था कि एक बोर्ड बनाओ स्टेट के अंदर जो इनके ट्रांसफर पोस्टिंग पे काम करेगा। तो पुलिस रिफॉर्म्स का जो टॉपिक है ना, उसमें प्रकाश सिंह का जो केस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म का टॉपिक है नहीं है, हालांकि ये उन्होंने बस एक अपॉइंटमेंट की बात की थी। तो वेन एवर यू रीड दैट टॉपिक ना, पुलिस रिफॉर्म का प्रकाश सिंह केस आपको मेंशन करना होगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी अगर विवाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, कि भाई क्या रूल बनाया हुआ है, क्या कानून है, कि कैसे अपॉइंट करना है किसी पोस्ट के अंदर, तो उसको इट शैल रिमेन इन अबेयंस। अबेयंस का मतलब अगेन मैंने ऊपर पढ़ा था, उसको थोड़ा सा टेम्परेरी डिसयूज में रख दिया जाएगा। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, पर बाद में विद टाइम वो चीज़ रिवॉल्व हो जाएगी, कंसिडरिंग कोर्ट उसमें इंटरवीन करेगा कैसे। जस्टिस क्लॉक्स, ये टॉपिक इग्नोर कर दो, कुछ नहीं आएगा इसमें से। न्याय विकास पोर्टल, न्याय का मतलब जस्टिस, विकास मतलब डेवलपमेंट, पोर्टल मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई ऐप हो सकती है, उस तरीके से। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने बनाया था कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है ना,
उनको मॉनिटर करने के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है ना वो कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर रहा है, खास करके जुडिशरी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ वगैरह होती है ना उनको लेकर के, तो उसको मॉनिटर करने के लिए पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने निकाला था। इसमें मॉनिटरिंग करते हैं कि पंचायतों की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, कितने उन्होंने स्कोर वगैरह अचीव किए थे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा न्यूज़ इन शॉर्ट भी खत्म होता है, हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन पूरा खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आईआर वाला सेक्शन। रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने हैं एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दिस 900 प्लस माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। हम लोग अब सेकेंड सेक्शन पे आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे पहला हमारा टॉपिक है 2.1, इंडिया और यूएस के रिलेशंस। तो रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो यूएस में गए थे, 3 दिन का एक स्टेट विजिट था जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डील्स और पार्टनरशिप साइन की गई थी। हम लोग इंडिया यूएस का एक ओवरव्यू देखेंगे क्या है दोनों के रिलेशंस में, अभी जो विजिट थी उस विजिट के क्या आउटकम्स थे। फिर हमारे पास ना 3 सब टॉपिक्स है, जैसे इंडिया और यूएस का जो डिफेंस रिलेशन था उसमें कुछ डिफेंस डील्स की गई थी। दूसरा सब टॉपिक है हमारा वो है इंडिया और यूएस का स्पेस रिलेशंस का, तो स्पेस सेक्टर में कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए थे। एंड तीसरा सब टॉपिक है हमारा इंडिया एंड यूएस के डिजिटल ट्रेड रिलेशंस का, तो कैसे इंडिया को यूएस ने फ्लैग किया कि इंडिया एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच लेके चलता है। तो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, ऑलरेडी यूएस और इंडिया के टॉपिक हम लोग अक्सर करते रहते हैं कवर। तो ये 31st विजिट था किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का यूएस के लिए और ये थर्ड ऑफिशियल स्टेट विजिट था। इंडिया और यूएस के अगर रिलेशनशिप की हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग बायलेटरल ट्रेड देखते हैं तो इट्स टू मच, ऑलमोस्ट $129 बिलियन के आसपास है और ये 7.65% पिछले साल से इंक्रीज भी हुआ है। यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और वो मेजर एक्सपोर्ट हब भी है इंडियन गुड्स के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना ये आपको हर जगह यूज़ करने होते हैं, लेकिन यहाँ से नोट्स मत बनाना, नोट्स आप लोग मेंस 365 से बनाना आईआर की, और नोट्स पीटी 365 से ही पढ़ना आईआर की, यहाँ से बस अभी टॉपिक को सुनते और समझते चलो। अगर हम लोग डिफेंस सप्लायर की बात करते हैं ना तो यूएसए इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है। सबसे टॉप पे हम लोग रशिया से डील करते हैं, सेकंड नंबर पे हम लोग फ्रांस से डील करते हैं, थर्ड पे हम लोग यूएसए से डील करते हैं। और हमारा जो ट्रेड का सरप्लस है ना, इंडिया के पास ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ $28 बिलियन का। अब इंपॉर्टेंट ये जानना है कि ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है। जैसे कि $100 का कोई सामान है, यूएसए ने $100 का सामान इंडिया को बेचा, ठीक है, तो ये आया यूएसए से इंडिया में, इंडिया भी कुछ सामान बेच रहा है, इंडिया ने मान लो कर दिया $128 का, तो सरप्लस क्या हो गया, 28 एक्स्ट्रा अर्न कर ली इंडिया ने, तो इंडिया ट्रेड सरप्लस में चल रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यूएसए करता 125 का इंडिया को और इंडिया करता 100 का, तो इंडिया के पास कितना सरप्लस, सॉरी डेफिसिट कितना चलता है, 25 का। तो बस डेफिसिट सरप्लस की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि 2016 में यूएसए ने इंडिया को बोला था कि इंडिया हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर है। फिर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्रीमेंट साइन किए गए थे जो हम लोग हर आई थिंक 10 बार कवर करा चुका हूँ मैं, ये लेमोवा कॉमकासा, उसके बाद ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी वाला, ये बैका वाला भी हुआ था। ये आपको जो आपके मेंस 365 और पीटी 365 होता है ना वहाँ पर ही ऑलरेडी मेंशन होता है, तो उनको भी बस सुन लेना। दोनों कंट्रीज़ के ना बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होते हैं, युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार, रिमपैक एट्सेट्रा। इंडिया का जो डायस्पोरा है ना यूएसए में ऑलमोस्ट 4.9 मिलियन, यानी कि तकरीबन 50 लाख लोग भारत के यूएसए में रहते हैं, और ये सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप है यूएसए के अंदर मैक्सिकन्स के बाद। इंडिया और यूएसए के ना कुछ एरियाज हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, क्वांटम टेक, हेल्थ, एजुकेशन, स्पेस, काउंटर टेररिज्म, इंडो पैसिफिक। अब इंडो पैसिफिक के लिए आपको याद आना चाहिए क्वाड इमीजिएटली, डिफेंस के लिए हम लोग अभी पढ़ेंगे, टेलीकम्युनिकेशन है, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन जो 1-2-3 एग्रीमेंट किया गया था, और क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है, क्रिटिकल एनर्जी टेक्नोलॉजी ICET अभी पढ़ेंगे हम लोग, इस बार किया था, ट्रेड एंड इकोनॉमी, ये एरियाज है जहाँ पर दोनों कंट्रीज मिलकर आपस में काम करती हैं। तो अभी जो विजिट की गई थी ना उसमें एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग किया गया था, सेमीकंडक्टर्स को लेकर एक MOU बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, यानी कि बेसिकली एग्रीमेंट को बोलते हैं, तो एग्रीमेंट साइन किया था सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप का दोनों कंट्रीज के बीच में। टेलीकम्युनिकेशन में हमारी इंडिया की तरफ से भारत 6G और यूएस की तरफ से नेक्स्ट जी अलायंस जो है उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई थी कैसे हम लोग ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क को डेवलप कर सकते हैं। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये ओपन RAN हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, जस्ट कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो पिछले मंथ की थी, मई मंथ की, उसमें हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था RAN का, वहाँ भी कवर किया था। क्वांटम टेक्नोलॉजी में इंडिया और यूएसए का क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म भी है, तो यूएसए और इंडिया का साइंस टेक एंडोमेंट फंड भी है, रिसर्च ये अभी किया हुआ है, अभी जो प्रेजेंटली जो विजिट हुई है ना मोदी जी की उसमें ये सब चीज़ें की गई हैं।
रिसर्च एंड इनोवेशन में खास करके इंडिया ने बात यूएसए ने बात की थी क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का आईसीईटी जो था, ये जनवरी 2023 का ही है, ताकि डिफेंस की इंडस्ट्रियल कॉपरेशन पे हम दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर सकें। आईसीटी का कवर भी किया था फेब में 2023, हमने भी कवर किया था क्लीन एनर्जी। अगर देखो ये जो टॉपिक ऐसे लिखे होते हैं ना, आपको लगे कि यार मुझे आईसीटी पढ़ना है, आपकी इच्छा गई यार मेरे को समझ में नहीं आता, तो आप जाओ प्लेलिस्ट में जाओ इसी चैनल पर, ठीक है, और ओल्ड वीडियोस ऑफ 2023 में जाओ, उसमें सारे थंबनेल्स के ऊपर सारे ईयर मंथ सब लिखे होते हैं सारे टॉपिक, उसमें जाओ फेब वाले पे, ठीक है। और आईआर का टॉपिक था तो फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, नीचे सब्जेक्ट लिखा होता है सारे थंबनेल्स पे, इट्स इजी टू आइडेंटिफाई। क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में इंडिया और यूएस ने इमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। क्रिटिकल मिनरल्स में इंडिया जो था वो यूएस का मिलिट्री सिक्योरिटी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का पार्ट बन गया है, मेंबर बन गया है। और इसके अलावा एजुकेशन में भी दोनों ने एक टास्क फोर्स के ऊपर काम किया था रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप के लिए। तो इंडिया और यूएस के जो ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट है वो सेटअप किए गए थे। वीज़ा को लेकर के बात की गई थी कि जो डोमेस्टिक रिन्यूअल्स होगा उसके टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा के लिए 2023 में, उसमें इंडियन नेशनल्स को इंक्लूड किया जाएगा। और कोशिश थी कि जो डोमेस्टिक रिन्यूअल होगा हमारा H1B का, L का जो 2024 के लिए था, उसके ऊपर काम किया जाएगा। दिस इज़ वन थिंग जिसके ऊपर इंडिया और यूएस से काफ़ी टाइम से ट्रबल में चल रहे थे, और कोविड से पहले भी ये बहुत न्यूज़ में था। वीज़ा तो वीज़ा जो होते हैं ना वर्क के लिए होते हैं, लोग यहाँ से वहाँ काम करने के लिए जाते हैं सिलसिले में। अब वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 4.9 मिलियन का हमारा डायस्पोरा है, तो कौन लोग हैं सारे, मोस्टली तो इसमें काम करने के सिलसिले में गए हुए हैं। कॉन्सुलेट इंपॉर्टेंट है, दो नए कॉन्सुलेट बनाए गए इंडिया में, बेंगलुरु और अहमदाबाद में। तो कॉन्सुलेट क्या होता है, जैसे कि यूएसए की जो एम्बेसी है वो तो दिल्ली में रहेगी क्योंकि दिल्ली हमारा कैपिटल है, तो कैपिटल में एम्बेसी होती है। एंड अगर आप दिल्ली में जाओगे, दिल्ली में एक एम्बेसी एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ की एम्बेसी है, चाइना इंडिया जापान, इंडिया की नहीं सॉरी चाइना जापान कनाडा, सारी एम्बेसीज आपको मिल जाती हैं। बट क्या होता है ना कि कुछ ऑफिसेज ना यूएसए को दूसरी सिटीज़ में भी खोलने होते हैं, बेंगलुरु में अहमदाबाद में, और इंडिया भी ऑपरेशनलाइज करेगा अपना न्यू कॉन्सुलेट सिएटल में। तो इंडिया अपनी एम्बेसी खोलेगा एक तो यूएसए की कैपिटल में, और उसके बाद कुछ उसके ब्रांच ऑफिसेज खोलता है दूसरे स्टेट्स के अंदर भी। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि हम लोग इस टॉपिक पे कि इंडिया और यूएसए के क्या रिलेशनशिप है और रिसेंटली विजिट में क्या हुआ था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, इंडिया और यूएसए की डिफेंस रिलेशनशिप। तो रिसेंटली जो विजिट हुई थी वहाँ पर मेजर डिफेंस डील्स किए गए थे। एक एग्रीमेंट था कि दोनों कंट्रीज मिलकर के ना GE F414 इंजन को प्रोड्यूस करेंगे, और इसको फिर बाद में हम लोग अपने जो ये हमारा LCA तेजस का MK2 है ना, इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इंडियन फ्लीट को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा। फिर इंडिया ने कहा था कि हम लोग 31 ना हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के जो ये ड्रोन्स होते हैं MQ-9B ड्रोन्स, हम लोग ये भी आपसे खरीद लेंगे। अब ये जो ड्रोन्स वगैरह होंगे ना, इसमें यहाँ पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक इट्स, हाँ ये रहा, तो ये स्काई गार्जियन और सी गार्जियन के तौर पर, यानी कि ये एयरफोर्स को भी दिए जाएंगे और नेवी को भी दिए जाएंगे। तो ये जो ड्रोन होता है ना, ये बहुत बड़ा वाला ड्रोन होता है, वो छोटे मोटर वाला नहीं, जिस पर कैमरा लगा के वीडियोज़ बनाई जाती है, थोड़ा बड़ा होता है, 388 किलोमीटर पर आके बहुत हाई स्पीड से फ्लाई करता है, और 11,000 के आसपास किसी फ्लाइंग रेंज भी होती है। देन US इंडिया डिफेंस एक्सेलरेशन इको सिस्टम इंडेक्स एक्स भी लॉन्च किया गया था। तो जैसे हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वैसे USA के पास एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भी है। तो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जॉइंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये काम किए गए थे। तो ये जो डील की गई है, एक तो हम लोगों के पास LC तेजस है, उसमें राइट ना हम लोग GE F404 इंजन यूज़ कर रहे हैं, बट अपडेट होकर के अब वो F414 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है ना, बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ हैं यूएसए रशिया यूके जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया है। तो इसमें से वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग 80% टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करेंगे इंडिया में, क्योंकि एक जॉइंट लीग है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्यूचर में भी कुछ इंडिजिनस डिफेंस डेवलपमेंट किए जाएंगे, और एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल फैसिलिटी बनाई जाएगी इंडिया में। जो भी डिफेंस टाइज होंगे, तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं ना, उनके लिए चाहिए होता है हमको मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल के लिए। लोकल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाएगा, इंडिजिनियस कंटेंट का क्लोज है, मतलब इंडिजिनियस कंटेंट में क्या होता है कि अगर इंडिया बोल रहा है कि हम आपके वहाँ से अगर कोई सामान खरीदेंगे ना, फॉर एग्जांपल कोई ड्रोन वगैरह ले रहे होंगे, तो हम कुछ चीज़ें अपनी उसमें इंडिजिनियस भी ऐड करेंगे। तो जो ड्रोन्स वगैरह आएंगे, तो नेवी का ना बहुत सारा टाइम कॉस्ट वगैरह बच जाएगा एयरक्राफ्ट्स वगैरह के लिए सर्वेलेंस में, क्योंकि जो प्रॉपर एयरक्राफ्ट भेजना होता है सर्वेलेंस के लिए, निगरानी रखने के लिए समंदर में, बहुत महंगा पड़ता है, ड्रोन्स थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं। लेकिन डिफेंस कॉपरेशन में दोनों के साथ प्रॉब्लम है, जैसे हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, सबसे टॉप पे ना रशिया आता है, इंडिया रशिया से ज़्यादा डील करता है, उसके बाद फ्रांस से डील करता है, और यूएसए थर्ड नंबर पे आता है। तो रशिया अभी भी लार्जेस्ट डिफेंस डील में है, और कहीं ना कहीं सारी दुनिया देख रही है कि इंडिया ने अभी तक रशिया को कंडेम नहीं किया है इस यूक्रेन अटैक के लिए। इंडिया अलायंस को जब ज्वाइन करने की बात की जाती है, तो यूएसए का एक इन्विटेशन आया था इंडिया को कि आप नेटो प्लस अरेंजमेंट ज्वाइन कर लो, तो इंडिया ने कहा कि नहीं, हम लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी खुद की स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी पर ध्यान देना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अगर बात करते हैं, तो यूएसए की जो कंपनीज होती है ना डिफेंस वाली जो होती हैं, वो कभी कभी ना थोड़ी सी रिलेक्टेंट हो जाती हैं कि यार इंडिया में हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी देंगे, फिर वो डुप्लीकेट हो जाएगी, और
हमारी टेक्नोलॉजी का मतलब हमको पैसा मिलना चाहिए। और प्रॉब्लम ये भी कि यूएसए ना आज भी पाकिस्तान को फंडिंग दे रहा है मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए, और इतिहास में हमने ये भी देखा था कि यूएसए ने पाकिस्तान चाइना दोनों को मदद की थी, तो उसके बावजूद कुछ काफ़ी चीज़ें बदल गई थी 9/11 के बाद, लेकिन पाकिस्तान को आज भी यूएसए मिलिट्री में सपोर्ट करता है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, दोनों की रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। रशिया इंडिया के लिए एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है, और टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिकल एम्बिशंस के लिए हमारे पास यूएसए इंपॉर्टेंट है। तो वी नीड टू ब्रिंग आउट द बैलेंस। अब यही काम होता है डिप्लोमेट्स का, जब आप लोग इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करते हैं। तो अभी हमारे जो मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के डॉक्टर एस जयशंकर, वो अपने टाइम पे इंडियन फॉरेन सर्विस में थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो उनको समझ है सारी किस कंट्री के साथ कितने अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं, एंड ही इज डूइंग वेरी गुड। पूरे वर्ल्ड के अंदर उनकी बहुत तारीफ हो रही होती है। तो हमको बैलेंस लाना पड़ेगा दोनों के साथ। फिर हमको कोशिश करनी पड़ेगी हम लोग दूसरी कंट्री से कम खरीदें। अभी हम लोग इंजन ले रहे हैं, ड्रोन ले रहे हैं, लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट कि हम अपने डोमेस्टिक डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करें। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कंबाइंड एफर्ट ही काम आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना के अग्रेशन को रोकना पड़ता है, तो यूएसए के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये हो रहा था इंडिया और यूएस का डिफेंस रिलेशन में। अब इसी के एक और टॉपिक में आगे चलते हैं, इंडिया और यूएस का स्पेस रिलेशंस में। तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए थे स्पेस सेक्टर में। तो नासा हमारे इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देगा, खास करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2024 के लिए। और इंडिया ने एक आर्टेमिस अकॉर्ड जो था उसको साइन करके इंडिया उसका 27th मेंबर बन गया है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ना, इसमें बात की जाती है कि ये ना 2020 में साइन किया गया था यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट और नासा के द्वारा। तो वो क्या कर रहे हैं ना, आउटर स्पेस में मून मार्स के ऊपर ना सिविल एक्सप्लोरेशन को गवर्न करने के लिए कुछ रूल बना रहे हैं। तो इसमें एशिया से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इंडिया इज़ ऑल्सो देयर, अफ्रीकन हैं, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ भी हैं इसके अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, यूक्रेन, इटली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो सेक्रेटरीज हैं, उन सब ने कहा कि हम लोग अपनी स्पेस पॉलिसीज़ को शेयर करेंगे, MOUs इंप्लीमेंट करेंगे, आउटर स्पेस हेरिटेज को प्रिजर्व करेंगे, ऑर्बिटल डेब्री जो है, डेब्री मतलब जब बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट जाते हैं आपस में टकरा जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह, तो डेब्री वहाँ का मलबा बन जाता है, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। तो इंडिया ने यह भी साइन किया था। तो अभी जो एग्रीमेंट्स हुए थे उसमें एक तो हमारा जो गगनयान मिशन था उसको बड़ा अच्छा पुश मिलेगा, क्योंकि इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनको इन हैंड ट्रेनिंग का अश्योरेंस दिया है नासा वालों ने, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर भी हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स पहली बार कदम रखेंगे और रिसर्च वगैरह करेंगे। गेटवे जो है ये नासा का ही एक इंटरनेशनल लूनर ऑर्बिटल स्टेशन है आर्टेमिस के अंदर, तो नासा के जो क्रू सीट्स वगैरह होंगे कॉन्ट्रीब्यूटर, उसमें इंडिया के भी एक जगह मिल जाएगी इसमें पार्टिसिपेशन के लिए। इसरो की कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए बात की गई थी, कैसे इसरो को हेल्प किया जा सकता है, मेंबरशिप होगी, अकॉर्ड्स होंगे बहुत सारे। तब चैलेंज आता है ना इंडिया का और स्पेस का, वो आता है इंटरेस्ट थोड़े से मिसमैच करते हैं। जो नासा के एम्बिशंस है ना वो अर्थ के ऑर्बिट के बियॉन्ड के ज़्यादा हैं, और इसरो के एम्बिशंस होते हैं कहीं ना कहीं अर्थ के ऑर्बिट के आसपास के काम करने के। तो थोड़े से होते हैं कि यार, क्योंकि नासा तो पुराना, मतलब पुराना तो नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली इनके पास पैसा ज़्यादा था पहले, दे वर्कड ऑन क्रिएटिंग कैपिटल, तो नासा को रिसोर्सेज बहुत मिले थे। हमारे इसरो के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कंपैरेटिवली। क्षमताओं में भी थोड़ी सी एसिमेट्री है, असमानता है। यूएसए के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर्ड सैटेलाइट्स हैं ना, स्पेसएक्स अकेला ने 2022 में 61 लॉन्च किए थे, इंडिया के पास ओवर 60 सैटेलाइट्स ही हैं ऑर्बिट के अंदर। तो रशिया के कोलैबोरेशन, रशिया की स्पेस एजेंसी ने इंडिया को पहली बार जो हमारी आर्यभट्ट गई थी ना फर्स्ट, उसमें मदद की थी या गगनयान में मदद कर रहा है। तो यूएसए को इससे प्रॉब्लम होती है कि यार इंडिया जो है ये कल को रशिया से फिर से दोबारा से मर्ज ना कर जाए उनके साथ। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मैंने बताया कि यूएसए के पास काफ़ी सारे पैसे होते हैं, तो वो अपने स्पेस में भी बहुत पैसा इन्वेस्ट करता है। तो लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं ना, कि कोऑपरेशन के ऊपर और फर्दर एग्रीमेंट्स पर काम कर सकते हैं, हमने अपने इंडिजिनस मिशंस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंडिया में वैसे बढ़ाया गया था आफ्टर कोविड, सडनली प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर दिया गया है स्पेस सेक्टर में भी, बट इट नीड्स टू बी पुश्ड मोर। वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ है, वर्जिन है, ब्लू ऑरिजिन है, स्पेस एक्स है, इंडिया में कितनी कंपनीज़ को आप जानते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने एक पर्टिकुलर कंपनी से एक स्पेस क्राफ्ट पर काम किया भी था, बट वो न्यूज़ में इतना बन नहीं पाया। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए। वी नीड टू वॉइस फॉर द स्पेस एज अ ग्लोबल कॉमन। इंडिया को जो आउटर स्पेस ट्रीटी है उसके जो भी हमारे नीतियाँ हैं, वैल्यूज़ हैं, इंडिया उससे एग्री करता है और कोशिश करता है कि जो आउटर स्पेस रहे वो एक ग्लोबल कॉमन रहे, वो सबके लिए रहे, ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री उसमें डोमिनेट करे। दीज आर द थिंग्स। बाकी फैब के एडिशन में भी और निसार के ऊपर भी टॉपिक था, वो भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तीसरा जो सेक्शन है इस न्यूज़ का वो है इंडिया यूएस का डिजिटल ट्रेड रिलेशंस। तो CCIE है यूएसए का, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन, उन्होंने कहा था कि इंडिया के साथ ना यूएसए के ना डिजिटल ट्रेड में बैरियर्स हैं, और इंडिया को उन्होंने कहा था कि इंडिया ना एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच यूज़ करता है। प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच यूज़ का मतलब होता है कि इंडिया क्या करता है कि हम दूसरी कंट्रीज की चीज़ें लेना है तो एग्री करेगा, टेक्नोलॉजी ले लेगा, इनोवेशन ले लेगा, अपनी साइड से कुछ शेयर नहीं करता, मार्केट का एक्सेस नहीं देता, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी पर ज़्यादा फोर्स करता है उस तरीके से। और रिसेंटली आप लोगों ने देखा भी होगा कि गूगल के ऊपर 1300 करोड़ का फाइन लगा दिया था, है ना, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती है, वो भी अब गूगल तो डिजिटल उसमें आता है ना, कमर्शियल यूज़ में, डिजिटल में।
तो जो बायलेटरल ट्रेड है वो हम लोगों ने देखा था कि 128 बिलियन का है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है ना वो मेजर फैक्टर नहीं है। तो डिजिटल वाली जो सर्विसेज थी ना उसमें इंडिया यूएसए के पास एक 27 बिलियन डॉलर का डेफिसिट भी चल रहा है 2020 के हिसाब से। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, सीईटी के ऊपर बात की थी, वी जस्ट हर्ड रेड अबाउट दिस थिंग। दोनों कंट्रीज अपनी क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर आपस में पार्टनरशिप करेंगे, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, वायरलेस वगैरह हो गया। फिर दोनों स्टेट्स ने एमओयू साइन किया था सेमीकंडक्टर्स पे, ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ा। ओपन आरएन के बारे में हम लोगों ने देखा, यूएस इंडो कोऑर्डिनेशन क्वांटम के ऊपर भी देखा हम लोगों ने, फंड के बारे में, ये सारे में हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़े थे। तो ये चीज़ें हैं जिसमें टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, डिजिटल के ऊपर काम करेंगे दोनों कंट्रीज। पर दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम ही आता है ना, इंडिया ऐसे टूल्स डेवलप करता है जिससे इंडिया अपने लोकल इंडस्ट्रीज को बचाना चाहता है, और करना पड़ेगा, हमारे पास एमएसएमईज में बहुत कुछ होता है। तो हमारे जो वो टूल्स होते हैं ना वो ग्लोबल एरिना में एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच दिखाता है, यार इंडिया अपने आप को ना प्रोटेक्ट करके चलता है, हम सब तो बड़े लिबरल्स हैं बट इंडिया थोड़ा प्रॉब्लम है। फिर कुछ कुछ प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है इंडियन कंपनीज को भी, है ना, और दूसरी कंपनीज के मुकाबले। तो ये थोड़ा सा लोगों को लगता है कि यार ये ट्रेड बैरियर है, उनकी कंपनीज को बेनिफिट नहीं मिल पाता। गवर्नमेंट की सेंसरशिप बहुत सारी होती है, सेंसरशिप मतलब होता है जैसे ट्विटर के ऊपर किसी ने कुछ कमेंट कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट उसको ब्लॉक करा सकती है ना, उन ट्वीट्स को डाउन करा सकती है, कोई वीडियोस गवर्नमेंट को डाउन करानी होती है वो करवा सकती है। टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इक्वलाइजेशन लेवी के बाद। तो फिलहाल जो इक्वलाइजेशन लेवी है 2% का है, 2016 में 6% का था। तो जो भी कोई नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स कॉम्पिटेटर होता है ना इंडिया के अंदर, उनसे वो उनके ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर एक टैक्स चार्ज करते हैं। तो उन कंपनीज को यूएसए को लगता है यार मोस्टली हमारी कंपनीज ही तो हैं और हमसे टैक्स वगैरह चार्ज किया जा रहा है, सो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर देम, यार इंडिया अगेन एक ट्रेड बैरियर क्रिएट कर रहा है हमारे साथ, वी नीड टू फिगर आउट समथिंग। कुछ पॉलिसी के कंसर्न भी है डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के इंडिया में, जो हमारे आईटी रूल्स थे 2021 के, अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था ना पॉलिटी में ऊपर ओटीटी रेगुलेशन में, तो उसमें डेडलाइन है, अगर कोई भी कंटेंट गवर्नमेंट ने फ्लैग कर दिया ना कि ये उतारना है, तो एज पर दो रूल उस कंपनी को वो डेटा, कोई वीडियो या फिर कोई पोस्ट होगा 72 आवर्स में डिलीट करना पड़ेगा। फिर सारी कंपनीज को बोला था कि भाई अपना एक लोकल कंप्लायंस ऑफिसर सेटअप करो और एक 3 मेंबर की अपनी ग्रीवेंस एपिलेट कमेटी बनाओ, है ना, और कोशिश करो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने बोला था कि कोशिश करो कि आप यहाँ पे फॉल्स और फेक न्यूज़ ना पब्लिश करो। फिर हमारा जो बिल था ड्राफ्ट 2022 का पर्सनल डेटा वाला, उसमें कहा था कि बॉर्डर से कैसा डेटा फ्लो करेगा, इसमें क्लैरिटी नहीं की बात नहीं की गई थी, इसलिए वो बिल गवर्नमेंट ने विड्रॉ भी कर लिया था। एंड कोशिश उन्होंने ये भी कहा था कि जब हम डेटा को लोकलाइज करते हैं ना अपने देश में ही सेव कर करते हैं अपने डेटा को, तो उसको स्टोर करने का ना बहुत सारा पैसा आता है, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, उस पर कैसे काम करेंगे। 2022 का हमारा टेली कम्युनिकेशन बिल का ड्राफ्ट भी था, तो उसमें कहा था कि टेली कम्युनिकेशन सर्विस का मतलब क्या कहना चाहते हो, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज हैं, फ़ोन करने की हैं, ब्रॉडबैंड की हैं, ओटीटी की हैं, क्या, तो डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉड करने की रिक्वेस्ट की गई थी। एंड जो सीसीआई था यूएसए का, यही सीसीआई है जिसने कहा था कि इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच लेके चलता है, उसने कहा था इसके कारण बहुत जो इस सेक्टर के ऊपर टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के ऊपर ना बहुत सारी ऑब्लिगेशन लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, दूसरी कंट्री अगर से कोई कंपनी अगर इंडिया में आके अपने आप को रजिस्टर करती है एंड दे वांट टू फंक्शन हियर तो प्रॉब्लम आती है। डिजिटल कॉम्पिटिशन एक्ट है, उसमें बहुत सारी एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस की बात की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि स्पेशली आप यूएस की टेक कंपनीज को ही टारगेट करते हो। फिर ये इसे मैंने आपको बताया कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की रूलिंग्स आई थी, तो गूगल प्ले को लेकर के कि भाई गूगल प्ले किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी में रिस्क भी क्रिएट करवा सकता है इंडिया में, तो ये कुछ चीज़ें फ्लैग की गई थी इंडिया की तरफ से। तो यूएसए बोलता है यार आप लोग ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट हो, व्हाट वी कैन डू इसके ना डेटा ट्रांसफर को क्रॉस बॉर्डर ना थोड़ा सेफ किया जा सकता है, अगर इंडिया इंडियंस का अगर डेटा है और वो कंपनी कहती है कि हम कंपनी आपके हिसाब से अपना डेटा खुद यूज़ करना चाहते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट एंड दी अदर कंपनी द स्टेक होल्डर्स दे नीड टू फिगर आउट द मिडल वे, द मिड वे, कि यार डेटा उनको चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है, तो दे कैन डू इट इन अ वे कि यार वो नॉर्मली भेजा जा सके। कुछ स्टार्टअप्स हैं, इनोवेशन होते हैं, है ना, उनको गूगल माइक्रोसॉफ्ट लेवल का ले जाने की ज़रूरत है। अब यूँ देखा जाए तो फिर गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोबी हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके सीईओज हैं वो सारे के सारे इंडियंस ही हैं। साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, यू डजेंट मैटर वेर एवर यू गो, ठीक ना, देर विल ऑलवेज भी डिजिटल लेवल पर रिस्क होंगे। डिजिटल के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन पर काम करना पड़ेगा, इंटरनेशनल ना स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि अपना मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, जो मई मंथ की वीडियो थी, कि जैसा सी टाइप चार्जर जो होता है उसको स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है कि सभी जगह पर सी टाइप का चार्जर यूज़ किया जाए, हाँ, ताकि प्रॉब्लम ना हो चार्जर्स की, मल्टीपल चार्जर्स प्रोड्यूस ना करने पड़े। कोई कंपनी पहले कोई सा करती थी, याद करो वो ज़माना जब हम सब बचपन में थे तो नोकिया का पतली पिन वाला चार्जर बहुत पॉपुलर था, फिर उन्होंने पतली पिन के मोटे पिन के कई तरह की चीज़ें बना दिए थे, है ना, फिर ये सी टाइप के आ गए थे, फिर आईफोन का अलग आ गया था, तो अब ये स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो आईपैड से लेकर के लैपटॉप से लेकर के हर चीज़ के ना जो चार्जर्स हैं उनको सी टाइप में कन्वर्ट किया जाए, इसको बोलते हैं चीज़ों को ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कर दिया जाए। फिर रेड टेपिज्म, एक्सेसिव सेंसरशिप, रेड टेपिज्म का मतलब है एक्सट्रीम लेवल पे हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत टाइट रूल्स एंड रेगुलेशन। सेंसरशिप का मतलब आपको पता है कुछ चीज़ें कटवा देना, गवर्नमेंट सेंसरशिप करती है डिजिटल मीडिया के अंदर भी,
तो इन चीज़ों को थोड़ा सा और फर्दर गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, बिकॉज नॉट जस्ट विद द गवर्नेंस सेक्टर, ये चीज़ें ना इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट बहुत डालती हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आनी कम हो जाती हैं. फॉर दिस टॉपिक एवरीथिंग वी हैव स्टडीड द थ्री डायमेंशंस. नोट्स मत बनाइएगा, वैसे ही टॉपिक जो है इसमें आपको प्रिलिम्स और मेंस दोनों का कॉन्टेक्स्ट मिलेगा. बस रीड कर लिया, लेकिन नोट्स हमेशा IR में PT 365 जो आता है वहाँ से पढ़ो प्रिलिम्स के लिए, और जो मेंस 365 आता है वहाँ से पढ़ के जाओ मेंस के लिए. यहाँ से उसके अलावा कोई कुछ करता तो है नहीं, जिन लोगों को सिलेक्शन हुआ तो वो सब यही करते हैं. नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 2.2, इंडिया एंड नेपाल. ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए थे. तो प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने देखा जब हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर US से गए थे, अब इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे. तो दोनों कंट्रीज़ ने अपने कुछ डिस्प्यूट्स पर बात की थी, तो इंडिया और नेपाल का एक ओवरव्यू देखेंगे. इंडिया के लिए नेपाल क्यों इंपॉर्टेंट है, दोनों कंट्रीज़ के मेजर एरियाज़ ऑफ एंगेजमेंट क्या है, और दोनों कंट्रीज़ के इश्यूज़ कहाँ कहाँ पर आते हैं. सिंपल टॉपिक है, पहले भी कवर हो चुका है, रिपीटेशन ही होने वाला है. तो दोनों कंट्रीज़ आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं. नेपाल का एक तकरीबन 1850 किलोमीटर का एक बॉर्डर है जो कि सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, UP और उत्तराखंड से शेयर होता है. 1950 में दोनों कंट्रीज़ ने एक ट्रीटी साइन की थी पीस एंड फ्रेंडशिप को लेकर के. स्ट्रेटेजिक लोकेशन के मामले में देखते हैं तो इंडिया और चाइना के बीच में पड़ता है नेपाल, तो इंडिया के लिए वो एक सिक्योरिटी बफर का काम करता है. उसके अलावा इंडिया को अपना इंटरनल टेररिज्म भी अगर कर्व करना होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक बेहतर रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें. फिर इंडिया नेपाल में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट भी देता है, जैसे एक बहुत मेजर है पचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, उसके अलावा महाकाली रिवर पर ब्रिजेस का भी बनाना, फ्लड मैनेजमेंट हो गया, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो गया, खास करके जो मधेसीज लोग हैं. तो जो हिमालयन रीजन है ना उसका जो फुटिल एरिया है वहाँ पर जो तेराई रीजन है, तो बिहार का जो अपना स्टेट है उसके बिल्कुल ऊपर टच होता है नेपाल, उस रीजन में जो लोग रहते हैं ना उनको बोलते हैं मधेसीज. ये याद रखना, ये वर्ड ज़रूरी है आपको. अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें दोनों कंट्रीज़ ने अपने पुराने जो बाउंड्री के डिस्प्यूट थे, इन डिस्प्यूट्स को हम लोग नीचे देखेंगे कौन से थे, उनको थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए कुछ बातें की थी. इसके अलावा एक ट्विन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो था वो रुपैदीहा इंडिया में और नेपालगंज नेपाल में, इन दो एरियाज में उसको इनॉग्रेट किया गया था. अब ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या होते हैं, तो कोई भी कंट्री होती है, फॉर एग्जांपल दीज आर टू कंट्रीज, ये बीच में बाउंड्री लाइन है, तो यहाँ से सड़क जारी होती है ना, यहाँ पर एक चेक पोस्ट लगाया जाता है कि जो भी यहाँ से टू एंड फ्रो मूवमेंट होगी उनकी चेकिंग की जाती है. वो चेक पोस्ट होती है, वहाँ पर ऑफिशियल्स होते हैं, वो आपका पासपोर्ट वगैरह चेक करते हैं, आपकी कोई चीज़ कैरी कर रहे हैं उनको भी चेक करते होते हैं. उसके अलावा MOU साइन किए गए थे. MOU मैंने आपको बताया था प्रीवियस टॉपिक में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीके से एग्रीमेंट को ही बोलते हैं. तो दोधरा चंदानी चेक पोस्ट को लेकर के है ना, फुकोट करनाली हाइड्रोलिक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, क्रॉस बॉर्डर एक दो कंट्रीज़ आपस में किसी सामान की पेमेंट करेंगे, कैश में कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उनको लेकर के. इनकी चीज़ों में हमें डिटेल में जाना नहीं होता, हमें बस ये समझना होता है कि अच्छा ये कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर दोनों कंट्रीज़ आपस में बातचीत कर रही हैं. इसके अलावा जो सिलीगुड़ी है इंडिया के अंदर, वहाँ से लेकर के नेपाल में जो झापा का एक रीजन है वहाँ पर दूसरा एक पेट्रोलियम पाइपलाइन को रखने की बात की गई थी. इसके अलावा चितवन रीजन जो है वहाँ पर मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन की भी बात की गई थी, उसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं. इंडिया ने कहा था कि नेपाल से बांग्लादेश के लिए इंडिया अलाउ करेगा कि 40 MW ऑफ पावर का एक पावर ट्रेड किया जाएगा. फिर कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो तीन ट्रांसमिशन कॉरिडोर्स हैं, नेपाल भेरी कॉरिडोर, निजगढ़ इनोरुआ कॉरिडोर और गंडक नेपालगंज कॉरिडोर. इनके लिए इंडिया ने नेपाल को एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था $680 मिलियन का. अभी लाइन ऑफ क्रेडिट क्या चीज़ होती है, लाइन ऑफ क्रेडिट ना एक तरीके का आपको लोन ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ही होता है बाकी लोन से. ये ना एक तो स्पेसिफिकली अमाउंट जो होता है ना जिस पर्पज़ के लिए दिया गया उसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, और आप 680 में ना आपको सारा एक साथ मिलता नहीं, ये मैक्सिमम अमाउंट होती है. आपको स्टार्टिंग में मान लो आपको $20 मिलियन की ज़रूरत है, 20 मिलियन निकालो, फिर आप 100 निकाल सकते हो, है ना, तो जितनी आपको ज़रूरत होती है आप उतना निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए इसको लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं. उसके अलावा कुर्था बिजलपुरा रेल सेक्शन जो था वहाँ पर रेल लिंक को भी हैंड ओवर करने की बात की गई थी. तो यू सी देर आर मल्टीपल थिंग्स इंडिया और नेपाल की, खास करके कनेक्टिविटी को लेकर के, एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, कुछ डिस्प्यूट थे, चेक पोस्ट वगैरह हो गया, पेमेंट हो गया, इन एवरी डायमेंशन इन एवरी पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ पर भी दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन बेहतर किए जा सकते हैं कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे. अब जरा देखते हैं दोनों कंट्रीज़ का एंगेजमेंट किस तरीके का रहा था. अगर इकोनॉमिक तौर पर बात करते हैं तो इंडिया जो है वो नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और हाईएस्ट सोर्स ऑफ FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो एक देश दूसरे देश में निवेश करता है. तो 2019-20 के अंदर हमारा जो बायलैटरल ट्रेड था वो $7 बिलियन से ऊपर चला गया था. $1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ होते हैं और $1 का रेट अभी 80 चल रहा है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कितना अमाउंट बनेगा.
कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर सड़कें हैं, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक से ऊपर हम लोगों ने सबके नाम भी देखे थे, ओवरऑल इकोनॉमिक असिस्टेंस हो गया। फिर दोनों कंट्रीज ने ना मल्टीपल कॉपरेशन ऑलरेडी किया भी हुआ है, जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, BBIN हो गया, ठीक है। अब ये टॉपिक अपने आप में पूरे पूरे हैं, इवन जो NAM है, नॉन अलाइन मूवमेंट है, वहाँ पर दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर सहयोग करते हैं। डिफेंस कॉपरेशन के अंदर इंडिया उनकी नेपाल आर्मी को ट्रेन भी करता है ना, बहुत सारे जो नेपाली सोल्जर्स हैं हमारे गोरखा रेजिमेंट से उसमें भी होते हैं इंडियन आर्मी के। सूर्य किरण, याद रखिएगा, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। डिजास्टर में असिस्टेंस, क्योंकि नेपाल का जो रीजन है वो भी माउंटेनियस रीजन है और इंडिया का भी वो माउंटेनियस रीजन से ही अटैच होता है, तो दोनों कंट्रीज़ में वहाँ पर जब भी सिचुएशन होती है, कभी फ्लड सिचुएशन है, क्लाउड बर्स्ट है, या फिर कोई लैंडस्लाइड होता है, डिजास्टर्स आते हैं, कोई दूसरा भी अर्थक्वेक वगैरह भी हो सकता है, तो दोनों देश एक दूसरे की मदद करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है ना, ये दोनों देश की मिलिट्रीज आपस में मिलकर के कुछ प्रैक्टिस सेशंस करते हैं। कल को अगर वॉर में जाना पड़ा, दोनों कंट्रीज को साथ में जाना पड़ा, तो एक दूसरे के कोड्स एंड प्रोसीजर्स एंड मेथड्स का पता होना चाहिए, तो ऐसे टाइम पर ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस बहुत काम आती हैं। एनर्जी के सेक्टर में 1971 में दोनों कंट्रीज ने एक पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट, पावर इलेक्ट्रिसिटी को कैसे एक्सचेंज करेंगे, तो को नेपाल जो है ना वो एक माउंटेनियस रीजन में है, तो वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा चांसेस होते हैं डेवलप होने के। तो साउथ एशिया का पहला क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन जो था वो IOC के द्वारा उसको फंड किया गया था, जिसके कारण भारत में जो मोतिहारी एरिया है और नेपाल में जो अमलेखगंज है उनको दोनों को ज्वाइन किया गया था, और इसका इनॉग्रेशन 2019 में हुआ था। ये एक याद रखने की चीज़ है, क्योंकि बहुत मेजर डेवलपमेंट था 2019 में, और उस टाइम पर काफ़ी स्ट्रेन थे दोनों के रिलेशनशिप में। हाइड्रो पावर में MOU साइन किए गए थे जो वेस्ट सेती और जो सेती रिवर का रीजन है उसके प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड फर्दर हम लोगों ने बात की थी कि जो सप्त कोसी का डैम प्रोजेक्ट है कोसी रिवर पर भी। तो वेस्ट सेती जो है ये कर्नाली रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इसके अलावा महाकाली ट्रीटी है, अपर कर्नाली ट्रीटी है, अरुण 3 प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी नेपाल के रीजन के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें दोनों कंट्रीज मिलकर काम करते हैं। उसके अलावा कल्चर सेक्शन के ऊपर जब हम बात करेंगे, देखो यूसी दो कंट्रीज़ के बीच में कितने सारे डायमेंशन होते हैं, इकोनॉमिक हो गया, कनेक्टिविटी डेवलपमेंट, मल्टीपल कोऑपरेशन हो गया जो कि दूसरे ग्रुप्स में होता है, डिफेंस हो गया, एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर, कल्चर वाला। तो वेन एवर यू राइट एनी आंसर विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल रिलेशंस, डू मेक श्योर दैट यू कवर एटलीस्ट 6 डायमेंशंस। कल्चर में स्वामी विवेकानंद सेंटर है इंडियन कल्चर का, ये काठमांडू में है नेपाल का, काठमांडू आपको पता होना चाहिए कैपिटल है नेपाल की। उसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, ये नेपाल के लुम्बिनी में है, क्योंकि लुम्बिनी का जो एरिया है वो बुद्धिस्ट कल्चर के लिए बहुत पॉपुलर होता है। तो दीज आर द एंगेजमेंट जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ मिलकर के आपस में काम करते हैं, बट देर आर इश्यूज़ ऑल्सो। कोई भी कंट्रीज़ होंगी और बॉर्डर शेयर कर रही हैं, चाहे बेशक ना कर रही हैं, अगर बॉर्डर शेयर करती हैं तो मेजरली आप देखोगे ज्योग्राफिकल इशूज़ ज़्यादा दिखाई देंगे, बॉर्डर शेयर नहीं करेंगे तो आप देखोगे इकोनॉमिक और कल्चरल इशूज़ ज़्यादा दिखाई देंगे आपको, ठीक है। जैसे इंडिया किसी कंट्री के साथ अगर बॉर्डर, जैसे USA हो गया, इंडिया और USA बॉर्डर शेयर नहीं करते, तो ज्योग्राफिकल इशूज़ इतने दिखाई नहीं देंगे बल्कि इकोनॉमिक इशूज़ दिखाई देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या मेजर इश्यूज़ हैं इंडिया और नेपाल के। सबसे पहले तो बॉर्डर को लेकर के, क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो 3 इंडियन टेरिटरीज़ हैं, लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख। तो नेपाल कहता है कि नेपाल का पार्ट है, अगर आप इस मैप को देखोगे, ये टॉपिक लास्ट ईयर न्यूज़ में था, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड था, तो हमने उस समय कवर भी किया था। तो दिस इज़ लिम्पियाधुरा, दिस इज़ कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, और ये एक पूरा रीजन कालापानी का है, दिस इज़ द लिपुलेख एरिया, ठीक है। ये लिपुलेख पास है, पास का मतलब क्या होता है, ऐसे दो माउंटेन्स होते हैं ना उनके बीच का ये जो एरिया होता है ना, इस एरिया को ही बोलते हैं पास, यानी बस निकलने का एक एरिया होता है, यहाँ से इजीली आप निकल सकते हो, पहाड़ के ऊपर तो जाओगे नहीं, तो ये लिपुलेख पास का है। अभी इंडिया कहता है कि भाई ये है बाउंड्री का रीजन, ठीक है, दिस इज़ हाउ इट इज़ कवर्ड। नेपाल कहता है कि ये हमारा रीजन है, नेपाल कह रहा है कि हमारी बाउंड्री है ये पूरी की पूरी, ठीक है। और ये पुराना है, हिस्टोरिकल है, ब्रिटिशर्स के ज़माने के टाइम का है, उस टाइम पर ये जो यहाँ से रिवर बहती थी उसको एक पॉइंट ऑफ सेग्रीगेशन यूज़ किया गया था, बट नेपाल कहता है कि नहीं वो तो पुरानी बात है, इंडिया कह रही है वो ब्रिटिशर्स के टाइम से चीज़ ऐसी है। तो खैर दैट्स अ कम्प्लीटली डिटेल्ड टॉपिक, अभी हम लोग ओवरऑल कवर कर रहे हैं। चाइना का प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि नेपाल के बहुत सारी कम्युनिटीज़ भी हैं, एंड इवन द पॉलिटिकल रिजीम जो है वो चाइना से बहुत हद तक इन्फ्लुएंस है, प्रभावित है, बहुत बार देखा कि चाइना इंटरवीन भी करता है नेपाल के पॉलिटिक्स में। ट्रस्ट गैप है, क्योंकि भारत ने जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लिए थे उनका इंप्लीमेंटेशन कंपैरेटिवली स्लो किया था। अच्छा, इंडिया का जो स्लो पेस ऑफ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन है, क्या है सिर्फ नेपाल का है? नहीं, ये सेम चीज़ हमारे जो चाबहार पोर्ट है ना वहाँ पर भी देखी गई थी, USA के साथ भी देखी गई थी, अफगानिस्तान के साथ भी देखी गई थी, एंड इंडोनेशिया के साइड में भी कोई प्रोजेक्ट थे हमारे, वहाँ भी देखी गई थी। तो दिस इज़ वन कंप्लेंट एवरीवन हैज़ फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया अपने प्रोजेक्ट्स के इंप्लीमेंटेशन को फास्ट नहीं करता। तो दिस इज समथिंग दैट कैन बी लर्न फ्रॉम द जैपनीज़ हो गए, जर्मन जो लोग होते हैं ना, वो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को ना बड़े जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं, दे आर वेरी सीरियस अबाउट द प्रोजेक्ट दैट दे टेक अप। सिक्योरिटी इशूज़ है, पोरस बॉर्डर है, ऐसी कोई परमानेंट बाउंड्री नहीं है, कोई वॉल नहीं है, कोई फेंस नहीं है, ठीक है, तो आना जाना लोगों का लगा ही रहता है। इस कारण से जो नेगेटिव साइड है उसकी, पोरस बॉर्डर की, वजह की स्मगलिंग हो सकती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक मूवी आई थी अर्जुन कपूर की,
मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक वो डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल होगी। उस मूवी में स्पेसिफिकली दिखाया गया था कि कैसे बहुत सारे टेररिस्ट जो होते हैं ना, वो इंडिया में अगर उनको अटैक वगैरह करना भी होता है ना, तो वो नेपाल के रीजन में आके बस जाते हैं। ठीक है, फ्लाइट लेकर के आते हैं, नेपाल में आके बस जाते हैं, और यहाँ से अटैक करना उनके लिए ईजी हो जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स। इंडियन करेंसी नकली करेंसी होती है, क्योंकि नेपालीज बहुत सारे जो बॉर्डर के ऊपर एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर करेंसी का बड़ा इशू रहता है। गुरखा इशूज़ है, सिंस जब से इंडिया की और नेपाल गवर्नमेंट की जो रिश्ते थे, जो रिलेशन थे, उन्हें थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ा था, थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ी थी। तब से ऐसा देखा गया था कि जो लोग इंडियन आर्मी में आते थे, गोरखा रेजिमेंट में, तो उनके ऊपर थोड़े से इशूज़ किए गए थे, उन्होंने कम लोगों को भेजना स्टार्ट किया था। एंड जो अग्निपथ स्कीम निकाली गई थी रिसेंटली, उसमें भी ये माना गया था कि 1947 का जो ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट था ना, उसको कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रही थी। कनेक्टिविटी इशूज़ हैं, इंडिया ने कभी कभी एयर रूट्स नहीं दिए थे नेपाल को, क्योंकि उसमें इंडिया के को अपना एयर स्पेस ओपन करना पड़ेगा चाइना के लिए भी फिर, तो ये कनेक्टिविटी का इशू एक मेजर आता है। जो 1950 की हम लोगों ने ऊपर देखा था, एक ट्रीटी साइन की गई थी, उसमें इंडिया का जो अप्रोच था थोड़ा लैकडाइसिकल था, क्योंकि जाहिर सी बात थी ना कि इंडिया इस चीज़ को बहुत हल्के में लेके चल रहा था, कंसिडरिंग नेपाल की इतनी रेलेवेंस नहीं है। नेपाल एक लैंडलॉक नेशन है, उधर चाइना रहेगा, चाइना बहुत अग्रेसिव तरीके से काम करेगा, और इंडिया को लगता है कि वी कैन टेक एडवांटेज होती थी, उस समय की बात थी। तो नेपाल की रिक्वेस्ट थी कि भाई उस जो पुरानी ट्रीटी उसको हम रिवाइज करें, लेकिन राइट नाउ दोनों कंट्रीज में से कोई भी इसको बहुत अग्रेसिवली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक इशू है दोनों कंट्रीज के बीच में। हम क्या कर सकते हैं ना, एक तो हमारे आज के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी में, डिजिटल कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस की चीज़ें होगी, है ना, डिजिटल कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। हम लोगों ने ऊपर देखा कि दोनों कंट्रीज़ ने पेमेंट को लेकर के कुछ एग्रीमेंट पर बात की थी, एमओयूज़ के ऊपर कुछ काम किया गया था। उसके अलावा जो भी हमारे कंटेंशियस इशूज़ है, कंटेंशियस मतलब जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग और जो डिस्प्यूटेबल इशूज़ है, उनको हम लोग काम मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, खासकर कि बॉर्डर वाले जो एरियाज़ हैं। मल्टीलेटरल, जैसे इंडिया ने ऑलरेडी अपना बांग्लादेश के साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो थी उनको सॉल्व किया था, तो उसको हम लोग एक मॉडल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देन देर आर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स है, BBIN, बिमस्टेक, सार्क वगैरह, इन सब के ऊपर दोनों कंट्रीज के कुछ कॉमन इंटरेस्ट होंगे, है ना, जैसे क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर वगैरह, वी कैन वर्क ऑन दीज इशूज़। सस्टेन्ड एंगेजमेंट एंड लिमिटेड इंटरफेरेंस बाय इंडिया एंड नेपाल की पॉलिटिक्स में, अक्सर ही शिकायत देखी गई थी कि इंडिया जो है वो नेपाल के पॉलिटिक्स में बहुत इंटरवीन करता है। तो वी कैन थिंक ऑफ दिस कि अगर ऐसा है हमारी कंट्री के ऊपर इस तरह का एक ब्लेम लगाया जा रहा है, वी कैन थिंक ऑफ दिस कि नॉट टू इंटरवीन इन देयर पॉलिटिक्स, अगर उनको पसंद नहीं, क्योंकि नेपाल के ऊपर ब्लेम ये कि नेपाल में चाइना भी इंटरवीन करता है, इंडिया भी इंटरवीन करता है। वी कैन थिंक ऑन दिस। एयर कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ताकि नेपाल की इकॉनमी को सपोर्ट मिले। अगर किसी भी कंट्री की इकॉनमी को सपोर्ट मिलता है, तो वो आपको कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर आप काम करना ईजी होता है। फ्रेंडशिप ट्रीटी की रिक्वेस्ट थी कि उसको डेफिनेटली रिवाइज किया जा सकता है। कुछ कल्चरल इवेंट्स हैं, फिल्म फेस्टिवल्स हैं, वेलनेस रिट्रीट्स वगैरह होती हैं, जिसके कारण दोनों कंट्रीज़ का ही काफ़ी रिच हेरिटेज होता है, उसमें एक्सचेंज ऑफ द पीपल, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ता है, दोज थिंग्स कैन बी वर्कड अपॉन। तो ये इंडिया और नेपाल का एक ओवरव्यू हो गया पूरे के पूरे टॉपिक का, हम लोग पहले कई बार कवर कर चुके हैं उस चीज़ को। तो ठीक है, अच्छा, ये माइंड मैप्स वगैरह जो है ना, उसमें पूरा IR कवर है, ऑलरेडी सारे टॉपिक्स वहाँ कवर्ड है। बस अगर कोई अपडेट होता तो यही अपडेट होता है कि अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर आए थे। तो अगर आप जो माइंड मैप्स का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वो माइंड मैप्स को कवर करोगे तो सारे IR के नोट्स तो सारे वहीं से कवर हो जाते हैं, बहुत इजी टू रिमेंबर दोज कॉन्सेप्ट्स। वी हैव टॉपिक नंबर 2.3, चाइनाज राइजिंग इन्फ्लुएंस इन द सेंट्रल एशिया रीजन। तो चाइना ने रिसेंटली एक समिट होस्ट किया था, इसका टाइटल था C+C5, और ये जो चाइना का जो शिनजियांग प्रोविंस है ना, वहाँ पर ये हुआ था। उसमें 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को उन्होंने इनवाइट किया था। तो यहाँ पर शियान डिक्लेरेशन को भी उन्होंने साइन किया था, जो कि कह रहा था कि चाइना और सेंट्रल एशिया के जो भी रिश्ते हैं उनको फ्यूचर में डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करेगा। उसके अलावा उन्होंने कल्चरल सिल्क रोड के बारे में बात की थी। सिल्क रोड जो था ना, ये चाइना का वो रूट हुआ करता ऐतिहासिक दौर में, जहाँ से चाइना ट्रेड करता था, सिल्क रूट बोलते थे उसको। तो उसमें भी कल्चरल सिल्क रोड का प्रोग्राम था। तो ये पहला था China+5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज समिट, जो कि वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था लास्ट ईयर। चाइना सेंट्रल एशिया में काफ़ी हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, एंड उसके कारण से वो बहुत हद तक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी इस एरिया में इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये है सेंट्रल एशियन रीजन, यहाँ चाइना है, दिस इज़ द इंडिया, ये पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान यहाँ इंडिया से बॉर्डर मैच करता है। हम लोग ऑफिशियली मानते हैं कि अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया से मैच करता है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो रीजन है ये POK वाला रीजन बन जाता है यहाँ का ही। तो देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान ने हमारा एरिया कब्जा रखा है, बट अगर हम लोग अपने टेरिटरी को फुली जो हमारा ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से देखें तो अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया से टच होता है। उसी के हिसाब से इंडिया ताजिकिस्तान से भी कनेक्टेड है डायरेक्टली। तो जिस दिन ये POK वाला मैटर तरीके से सॉल्व हो जाएगा ना, तो जिस दिन पाकिस्तान को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, तो हम लोगों को सेंट्रल एशिया का डायरेक्ट एक्सेस यहाँ से मिल जाएगा ताजिकिस्तान का। इंडिया इस पर काम कर भी रहा है। अब सीन ये है
कजाकिस्तान बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पर उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजिकिस्तान है और किर्गिस्तान है। इंडिया के लिए ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एरियाज रहे हैं। कैस्पियन सी है, एग्जाम में आपके प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है, इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ ली जाती हैं। जैसे अभी टॉपिक न्यूज़ में था, चाइना ने यहाँ पर सबमिट किया सेंट्रल एशिया, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डजंट मैटर ये लास्ट ईयर पूछा गया था नहीं पूछा गया था, दीज एरियाज मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अगेन मिडल ईस्ट प्लस सेंट्रल एशियन कंट्रीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सारे यहाँ पर सीज कंट्री नेबरिंग आते हैं सवाल। इस बार यूक्रेन वाला हो गया था, थोड़ा सा ऊपर जाते तो यहाँ यूक्रेन है, रशिया पर फॉल करता है। तो विल सी क्या सीन है ना, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस एरिया में कैसे इंक्रीज होता जा रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट द जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन, चाइना हमेशा अपने इंडिया के जो नेबरिंग रीजन है उनमें डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। चाइना चाहेगा कि इंडिया यहाँ पर डोमिनेट ना करे, हम इस रीजन के अंदर थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस बढ़ा लेते हैं। जब से तालिबान का टेक ओवर हुआ था ना, ये पूरा का पूरा जो सेंट्रल एशियन एरिया था ना, ये एक जियो पोलिटिकल एरिया बन के निकला था। ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर, रशिया, चाइना, यूएस, टर्की, ईरान, यूरोप, यूरोपियन यूनियन, सारे के सब चाहते थे कि इस एरिया के अंदर हम लोग कैसे अपना इन्फ्लुएंस बना के रख सकें। फिर चाइना जो है वो सेंट्रल एशिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। रीजन बहुत साफ है, चाइना की कनेक्टिविटी डायरेक्ट है इस रीजन के साथ। देखो चाइना तीन कंट्रीज तो डायरेक्टली अपने बॉर्डर टच करता है और चाइना के पास ये ओपन एरिया है। इंडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है तो हम लोग एक्सेस ले नहीं पा रहे हैं, वॉर सिचुएशन है। तो चाइना इसलिए ट्रेड कर पा रहा है बहुत इजीली वहाँ से ना, अराउंड $2 बिलियन के आसपास तक। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है ये एग्जाम में एक बार आ भी चुका है और ये आपको पता होना चाहिए। तो चाइना क्या कर रहा है ना, पूरे वर्ल्ड वाइड ना सड़कें बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, रेड पोर्ट्स बना रहा है, रेलवे इन लाइन सेटअप कर रहा है। तो बेल्ट एंड रोड से चाइना कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है अपनी। तो चाइना के वही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक रीजन जो है वो यहाँ से पाकिस्तान गुजरता है, जिसको उन्होंने बोला था सीपैक। ठीक है, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसने नाम दिया था। ये भी एक चीज़ है जो इंडिया की कनेक्टिविटी को उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ना इस रीजन के अंदर, उसके कारण क्या हो रहा है कि इंडिया के जो इन कंट्रीज के जो नज़दीकी थी, जो हमारा एक रूट बनता है INSTC का, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसका इम्पैक्ट कम होते जा रहा है। सिक्योरिटी कंसर्न्स है, रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स, क्योंकि ये हमारा जाहिर सी बात है POK वाला रीजन है, तो यहाँ पर आतंकवादी को भी एक गठबंधन कह सकते हो यहाँ पर पाया जाता है, और हमारी जो मिलिट्री है वो भी यहाँ पर तैनात रहती है फुल टाइम। एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, रीजन के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया को देखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का अगर इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो फ्यूचर में हो सकता है कि इंडिया को यहाँ पर एक्सेस ना मिले। तो कजाकिस्तान जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, तुर्कमेनिस्तान के अंदर बहुत सारी नेचुरल गैस पाई जाती है। अभी आपको याद रखना है, ये चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जैसे इस बार भी 2023 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया था ऐसा ही, है ना, रीजन्स को लेकर के, उसमें कौन सा मिनरल, कौन सा एलिमेंट डोमिनेट करता है। यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो इंडिया को भी देखना पड़ेगा कि कजाकिस्तान के पास अगर इतना बड़ा यूरेनियम है तो फ्यूचर में हमको न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह के लिए एक्सेस लेना चाहिए यहाँ पर। चैलेंजेस क्या आते हैं, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, हम लोगों ने देख लिया इंडिया फिजिकल बॉर्डर शेयर नहीं कर पा रहा है ना बिकॉज ऑफ POK रीजन। रिसोर्सेज कंपेरेटिवली बहुत लिमिटेड हैं, तो हम लोग उनके साथ एक्टिवली एंगेज नहीं हो पा रहे। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उस रीजन के अंदर भी। और ये जो पूरा का पूरा रीजन था ना, एक ज़माने में ये सब का सब सोवियत यूनियन का पार्ट बनता था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, USSR था, यूनाइटेड स्टेट्स था ना शायद, हाँ, तो USSR हुआ करता था। फिर कोल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा रीजन बट गया, एरियाज में डिवाइड हो गया था। तो एक तरीके से यहाँ पर रशियन लैंग्वेज भी बोली जाती है कुछ कुछ जगहों पर। इनिशिएटिव्स लिए थे इंडिया ने अपने इस रीजन में अपने कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, है ना। तो जैसे ये जो चाबहार पोर्ट की बात की गई थी, तो जो हमारा INSTC कॉरिडोर था उसको भी इंडिया ने थोड़ा सा फास्ट डेवलप करने की कोशिश की थी। फिर आशकाबाद एग्रीमेंट था, तापी पाइपलाइन था, जो कि ये था TAPI जो था ना, इट वॉज दिस TAPI, आई थिंक तापी वाले में बताऊँ, अच्छा आप लोग बताना, मैं भी थोड़ा डाउट में जा रहा हूँ। तुर्कमेनिस्तान था या तजिकिस्तान था, TAPI था, आई थिंक दिस इट वॉज दिस, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, ईरान था। तो ये तापी पाइपलाइन का भी इंडिया ने कनेक्ट किया था। उसके बाद दिस कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी 2012, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक अगर आप ये भी भूल जाते हो ना, बट ये कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो थी ना 2012 की, बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था इंडिया के द्वारा। तो इंडिया ने इसकी समिट भी एक कंडक्ट की थी। कमिटमेंट टू द एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हमारे पास पहले नेबरहुड पॉलिसी, देन उसको एक्सटेंड करना, कमिटमेंट उस चीज़ को लेकर के संकल्प लेकर के चलना। बायलेटरल एंगेजमेंट से, बायलेटरल मतलब होता है दो तरफा, यानी कि इंडिया हर कंट्री के साथ एक एक के साथ, एक तो होता है आप मल्टीलेटरल कर दोगे, भाई इंडिया है सबके साथ कनेक्ट कर लेगा एक ही बारी में, एक समिट बना दो। एक होता है इंडिया एक एग्रीमेंट करेगा ताजिकिस्तान के साथ, फिर दूसरा एग्रीमेंट करेगा किर्गिस्तान के साथ, मतलब बायलेटरल दो दो कंट्रीज कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, एक एक करके। तो ये होते हैं बायलेटरल एग्रीमेंट्स करना।
तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है यहाँ पर, एंड उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किए थे कजाकिस्तान में, तजिकिस्तान में, सबके साथ में, और सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किए थे कजाकिस्तान के लिए भी। फिर टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए भी प्रोग्राम सेटअप किए गए थे, जिसमें यूथ की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा था। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे SCO हो गया, उसके अलावा इंडिया के जो था इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो गया, इन सब के तहत भी इंडिया उनसे कम्युनिकेट करता है। डेवलपमेंट के तौर पर $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया था इंडिया के द्वारा, जो इम्पैक्ट हाई इम्पैक्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था। तो कंसिडरिंग ऑल दिस इशूज़, वट वी कैन डू मोर ना, हम अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को मजबूत कर सकते हैं। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में क्या होता है, अच्छा एक होता है हार्ड पावर डिप्लोमेसी, जैसे कि जो हमारा गलवान वैली में हुआ था, ठीक है। तो गलवान वैली में जो हमारे सोल्जर्स का जो स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया का और चाइना का, वो होती है हार्ड पावर डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाए जाते हैं, कल्चरल हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल बॉन्ड्स को मजबूत किया जाता है। इकोनॉमिक रिलेशन पे ध्यान दे सकते हैं, इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया गया था इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल था, उसके कारण हम लोग एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं टैक्सेशन में, बिजनेस एक्टिविटी में। कनेक्टिविटी के लिए इंडिया ट्रेड कर सकता है, है ना, एयर कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अफगानिस्तान के लिए किया गया था। बाकी सेक्टर्स भी हैं, IT हो गया, फार्मा, टेक्सटाइल हो गया, हायर एजुकेशन, स्पेस, ये सारे के सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर इंडिया इन कंट्रीज के साथ कनेक्ट कर सकता है, फर्दर अपनी एंगेजमेंट को बढ़ा सकता है। तो रिसेंटली आई वाज लुकिंग एट समथिंग ऑन यूट्यूब, और वहाँ पर पता चला था कि एक बड़े एक्सपर्ट ने बोला था कि इंडिया की प्रॉब्लम ये ना, इंडिया अपने जो भी कंट्रीज़ फ्यूचर जो पास्ट में हिस्टोरिकली इकोनॉमिक टर्म्स में जो बहुत अबंडेंट हुई है ना, उन कंट्रीज़ ने एक बड़ी अच्छी स्किल का यूज़ किया था, उन्होंने ना अपने नेबर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था, अपने रिलेशनशिप अपने नेबर के साथ मजबूत कर लिए थे। इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ नहीं बन रही, ठीक है, चाइना को इंडिया थोड़ा सा दूर रखना चाहता है, ठीक है, बट व्हाट अबाउट नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ऊपर की तरफ हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गए, इंडिया इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, कर रहा है बट उतना नहीं कर रहा जितना को करना चाहिए। तो एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने ऐसा बोला, तो जब आप लोग ये टॉपिक पढ़ते हो उनको ध्यान में रखा करो, दिस इज़ वन ऑफ द इशूज़। इंडिया के इशूज़ भी आपको पता होने चाहिए, आपको इंडिया की हर जगह तारीफ नहीं करनी, आप अपने जब इशूज़ को देखोगे तभी आप उसको डेवलप कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने ऊपर एक टॉपिक देखा ना कि इंडिया नेपाल वाले में देखा कि इंडिया प्रोजेक्ट्स साइन तो कर लेता है बट उनको जब इंप्लीमेंट करना होता है तो इंडिया की हमेशा हर कंट्री कंप्लेन करता है, यार इंडिया के ऊपर ना भरोसा नहीं कर सकते, इंप्लीमेंट बहुत धीरे करेगा, एक 6 महीने का प्रोजेक्ट होगा शायद 6 साल लगा देता है। तो ये एक इशू जिसको आपको टैकल करना है व्हेन यू बिकम पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, या फिर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं। तो इवन डोमेस्टिकली भी अगर आप देखोगे ना, हमारे पास इतनी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, पॉलिसीज़ है ना, कि हमें ज़्यादा और नई बनाने की जरूरत ही नहीं। अगर हम पुरानियों को भी 100% अगर इंप्लीमेंट कर देते हैं ना, तो हमें नई स्कीम पर जंप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, इकोनॉमिकली हम लोग एकदम ग्रो कर जाएंगे। और सुना है कि मोदी जी ने एक नया अनाउंसमेंट किया है कि मोदी जी 3rd time अपने प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, आज की ही अनाउंसमेंट थी ये, तो उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि 3rd term के अंदर वो इंडिया को 3rd मतलब top 3 इकोनॉमी बनाने वाले हैं, उनका एक टारगेट है, ही हैज़ अनाउंस दिस थिंग। तो इन चीज़ों के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, वेन एवर यू बिकम द ऑफिसर, आप लोग पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है आप बनोगे, और विश्वास रखना अपना, तो इन पतों पर ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करते चलोगे ना तो आगे बढ़ जाते हो आप। आपका एक 30 से 35 ईयर का जो करियर होता है, कुछ लोगों का 40 तो खैर कोई कर नहीं पाते हैं, बट 30 तो ऑलमोस्ट सभी कर ही लेते हैं, 30-35 ईयर का करियर होता है। अगर आप एक ही छोटी छोटी स्कीम को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे ना, और उसकी आपकी रिपोर्टिंग करोगे, बाय द टाइम यू आर डन विद योर करियर ना, यू विल सी कि यू आर सिंगल हैंडेडली आपने ना इतना बड़ा चेंज लेके आ गए कंट्री के अंदर ना, विदिन 2 to 3 years आपको रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो जाता है कि अरे दिस पर्सन इज़ वेरी डूइंग वंडरफुली, जो भी काम मिलता है बड़ी जिम्मेदारी से निभाता है, और वहीं से आपको और बड़ी जिम्मेदारियाँ दी जाती है, आपको अथॉरिटी दी जाती है। तो इट्स वर्क्स फ्रॉम द वेरी बिट बाय बिट थिंग। नाउ वी हैव दिस टॉपिक नंबर 2.4, रोल ऑफ इंडियाज़ डिफेंस कॉपरेशन इनिशिएटिव्स इन मीटिंग दी फॉरेन पॉलिसी गोल्स। वो कहना चाह रहा है अगर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी के जितने भी हमारे गोल हम लोग बनाते हैं ना, उनको कभी भी अचीव करना होता है, तो हमारे जो डिफेंस के कॉपरेशन के इनिशिएटिव्स होते हैं उनका क्या योगदान होता है। इंडिया ने रिसेंटली एक बिल्ट इन सर्विस मिसाइल दिया था, INS कृपाण, वियतनाम को गिफ्ट किया था। तो हम इस टॉपिक के टाइटल को इस न्यूज़ से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो इंडिया ने किसी कंट्री को के साथ एक डिफेंस कॉपरेशन किया, तो वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी गोल में उसे कैसे मदद करेगा, यही हम जानने की कोशिश करेंगे पूरे टॉपिक में। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारे इंपॉर्टेंट गोल क्या, हमारी फॉरेन पॉलिसी के कुछ डिफेंस कॉपरेशन फॉरेन पॉलिसी में क्या लिंकेज बनता है, क्या बेनिफिट होते हैं अगर डिफेंस कॉपरेशन किया जाता है, और उसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ईजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले यही जान लेते हैं फॉरेन पॉलिसी के गोल क्या होते हैं। अरे भाई, हमारा इंडियन डायस्पोरा है, हमारे देश के नागरिक है, दूसरे देश में रह रहे हैं, उनके साथ एंगेज करना, उनकी प्रोटेक्शन पे काम करना, उनकी सेफ्टी पे काम करना, इसलिए हमारी इंडियन पॉलिसी का काम होता है। फिर इंडिया को किसी भी तरह के ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, पुराने तरीके से और मतलब नवीन और न्यूतन, है ना, एंशियंट एंड दी मॉडर्न, बहुत हर तरह के जो भी थ्रेट होते हैं उनसे बचा के रखने का काम फॉरेन पॉलिसी का होता है। कोशिश करना कि ग्लोबल फोरम के अंदर, है ना, वैश्विक स्तर के ऊपर भारत की आवाज़ जो हो बुलंद रहे,
उसके अलावा एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जहाँ पर इंडिया की इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके, इंडिया अपना भी डेवलपमेंट करे और अपने आसपास वालों को भी करे। सी ऑलवेज रिमेंबर, अगर इंडिया खुद ब खुद डेवलप होता रहेगा लेकिन इंडिया के आसपास की कंट्रीज अगर डेवलप नहीं होंगे ना, इंडिया की वाट लग जाएगी, वाट बहुत बुरी हालत हो जाएगी। इंडिया ऑलवेज हैज़ टू मेक श्योर कि खुद को ग्रो करने के लिए ना आसपास वाले कंट्रीज़ को पक्का ग्रो करो आप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप भी कल को जब बनते हो ना, व्हेनेवर यू बिकम इधर यू आर बिकमिंग IAS और यू आर बिकमिंग IPS और यू बिकम IFS, फॉरेन सर्विस में जा रहे हो या फॉरेस्ट सर्विस में जा रहे हो, ऑलवेज एंड ऑलवेज मेक श्योर कि तुम्हारे आसपास वाले जो लोग हैं ना, वेदर दे आर योर कलीग्स हैं, ठीक है, तुम्हारे आसपास का माहौल है, एनवायरनमेंट है, यू डेफिनेटली शुड वर्क ऑन देयर सक्सेस ऑल्सो, ऑन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो। उनकी तरक्की होने से आपकी तरक्की की ग्रोथ 10 times बढ़ जाती है। अगर आप ही बढ़ते रहते हो ना और आपके आसपास के लोग नहीं बढ़ रहे होते तो वो आपको खींचना भी स्टार्ट कर देंगे, वो परिस्थितियां आपको खींच लेंगी, आपका माहौल आपको नीचे खींच लेगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग फ्रॉम द इंडियन पॉलिसी जो आपको ध्यान में रखनी है। कल को इंटरव्यू में अगर आपसे पूछते हैं ना ये पॉइंट मेंशन करना, आपसे पूछते हैं कि आप क्या, अगर आपको हम बना लेते देश का प्रधानमंत्री, आप इंडिया की फॉरन पॉलिसी पर कैसे काम करोगे, यू टेल देम कि आई विल वर्क ऑन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ माई ओन कंट्री एज वेल एज टू द नेबरिंग कंट्रीज। अगर मेरे आसपास के लोग सक्षम और समृद्ध रहेंगे तो वो मुझे पुश करेंगे ना और बेहतर करने को कि मैंने उनकी मदद करी थी, ज़्यादा मैं ये सोचूँ कि मैं अपने आप को मजबूत कर लूँगा। इंडिया के लिए ज़रूरी है पाकिस्तान का स्टेबल होना, अगर पाकिस्तान स्टेबल हो जाता है ना, इंडिया का बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होने से बच जाता है। पाकिस्तान इतना अनस्टेबल रहता है ना, उसी कारण से इंडिया के अंदर उतने आतंकवादी भेजता है हमको परेशान करने, वो फ्रस्ट्रेटेड ना खुद में, तो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति दूसरे का भला नहीं चाहता। हम फिर भी स्टेबल हैं, हम उनका भला चाहते हैं तो हम उनको भी शांत कर देंगे तो हमारा भी बहुत सारा फ़ायदा होगा उसमें। लेकिन पाकिस्तान ज़िद्दी है ना, नॉटी बच्चा। चलो, तो रिसेंटली इंडिया ने अपने कुछ मिलिट्री कोऑपरेशन किए थे। करंटली हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है 53 कंट्रीज़ के साथ है, यानी कि हम लोग 53 कंट्रीज़ के साथ या तो हथियार लेते हैं, देते हैं या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। 2020 में एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिसी हम लोगों ने बनाई थी डिफेंस के प्रोडक्शन की और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की। हम लोग अपने यहाँ पर ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा था कि इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट भी करेंगे, प्रमोशन भी करेंगे। उसके अलावा डिफेंस डिप्लोमेसी इस चीज़ को नाम दिया गया था, इस तरह के कोऑपरेशन को। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह हम लोग करते रहते हैं स्ट्रेटजिक एरिनास के अंदर, कलेक्टिव स्ट्रेटजी होती है हमारी। फिर जैसे कि आप लोगों ने SCU के बारे में पढ़ा होगा, SCU के एक सेगमेंट है RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है, वो एक इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पर टेररिज्म को लेकर बात की जाती है, जहाँ पर इंडिया डिफेंस के एस्पेक्ट से काम करता है। तो ये सब चीज़ें इंडिया को आगे फॉरेन पॉलिसी गोल अचीव करने में मदद करती हैं। तो डिफेंस को की कोऑपरेशन में फॉरेन पॉलिसी का क्या संबंध बनता है? भाई, आप डिफेंस में अगर अच्छा रोल प्ले कर रहे होते हो तो जाहिर सी बात है कि आपके फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव सेटअप हो जाते हैं। कौन से ऑब्जेक्टिव थे? हमारा इंडियन डायस्पोरा सेफ रहता है, ग्लोबल फोरम में हमारी आवाज़ बुलंद रहती है, ट्रेडिशनल थ्रेट वगैरह नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट से हम बच पाते हैं, अपने आसपास का एनवायरनमेंट को हम ज़्यादा इंक्लूसिव बना पाते हैं। ग्लोबलाइजेशन, आप डिफेंस में अपना प्रोडक्शन करोगे, एक्सपोर्ट करोगे तो ट्रेड कर पाओगे, फाइनेंस बेहतर होगा, कम्युनिकेशन अच्छे हो पाएंगे, टेररिज्म को कंट्रोल कर पाओगे, प्राइमरी थ्रेट से लेकर के सेकेंडरी टर्शरी हर लेवल के थ्रेट को ऊपर आपका एक ग्लोबल फोरम में आपकी आवाज़ रहेगी तो दूसरे कंट्रीज़ में जो भी टेररिस्ट वगैरह हैं आपकी कंट्रीज़ में आके अटैक करने से रुकेंगे। ट्रेनिंग सर्विस का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं इन सर्विसेज से, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स ही क्यों ना हो, है ना, उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ में जा करके ट्रेनिंग ली थी, ठीक है, वहाँ से इंडिया में आकर ट्रेन किया, इंडिया वालों ने बाहर जाकर ट्रेनिंग दी थी। जैसे कि ये YB तुन हुसैन बिन ऑन है फ्रॉम मलेशिया से, है ना, वो प्राइम मिनिस्टर की पोजिशन पर पहुँच गए थे आगे डेवलपमेंट के साथ साथ मलेशिया में, तो इसमें इंडिया का भी योगदान रहा था। पावर पॉलिटिक्स का काम चल रहा होता है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स अरीना में, अगर आप देखते हो तो जिसके पास पावर होती है वो पॉलिटिक्स के अंदर जीतने की चांसेस ज़्यादा रखता है, मसल पावर का भी बहुत मैटर होता है, मॉनेटरी पावर, मसल पावर। USA ही है, इंडिया के ऊपर कभी कभी इकोनॉमिक तौर से दबाव डाल देता है, हालांकि इंडिया के पास अभी जो हमारे ट्रायलॉजी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्लस हमारे जो NSA हैं डॉक्टर अजीत डोवाल जी और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इन तीनों के सामने जो त्रिमूर्ति है हमारे, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल एरिया डरा हुआ है इन तीनों से कि इंडिया का ये एक तो नरेंद्र मोदी, एक अजीत डोवाल और एक डॉक्टर जयशंकर, इन तीनों के सामने किसी की नहीं चल रही होती, तो सबकी हालत ख़राब कर रखी है इन तीन लोगों ने। तो रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ाने से बहुत फ़ायदा मिलता है ना, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, कोई और टर्बुलेंस होती है, उनपे कंबाइन होकर के सब अब उन सारी चीज़ों को सेटल कर पाते हैं, इम्प्रूव कर पाते हैं, अपने आपस में कैपेसिटीज़ बढ़ा पाते हैं, रिलेशनशिप बढ़ाने ज़रूरी होते हैं। एंड किस तरीके से बेनिफिट मिलता है कि आप इंडिया के लिंक मजबूत हो जाते हैं ना, फ्रेंडशिप के और ज़्यादा ब्रिजेस बनाना इजी हो जाता है। इवन जैसे नेपाल का हम लोगों ने टॉपिक ऊपर कवर किया था, तो अगर हम लोग अपनी डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाएंगे नेपाल से तो हमारे फ्रेंडशिप के ब्रिजेस भी और मजबूत होने स्टार्ट हो जाएंगे। आर्म्ड फोर्सेस की अपनी क्षमता बढ़ती है, नई टेक्नोलॉजी आती है ना, उनको नया कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिलता है, डिफेंस इंडस्ट्री को नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एडवांस वेपन्स के बारे में पता चलता है, अब हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट बढ़ने लगते हैं तो कंट्री को फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर अगर हम देखते हैं तो इंडिया में सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी वन ऑफ दोज इशूज़ नहीं है जिस पर काम नहीं हो रहा होता, इसका भी अगेन इंप्लीमेंटेशन के साथ होता है, अच्छे अच्छे
स्कीम्स हैं इंप्लीमेंट नहीं हो रही होती, इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता। तो दिस आर सर्टेन थिंग्स जिनको पर काम कर सकते हैं। अगेन वही कैपेसिटी बिल्डिंग होती है तो इंडिया में फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करता है, ऐसे कोई भी कमिटमेंट वगैरह पे जब काम किया जाता है तो देश का अपना एक आत्मविश्वास, अपना मनोबल बढ़ता है और आगे इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन इस तरह की पॉलिसीज़ में ना बड़े सारे चैलेंजेस आ रहे होते हैं। तो डिफेंस कॉपरेशन को इंप्लीमेंट करना कि भाई कंट्री वाइज करें है ना, या फिर पूरा का पूरा एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल बना दें, बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरीके से आप पाकिस्तान से डील करते हैं, आप सेम तरीके से श्रीलंका से डील नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीलंका एक फ्रेंडली नेशन है। ऑल राइट, जैसे आप यूएसए के साथ डील करते हो वैसे आप चाइना से डील नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम आ रही होती है। चाइना अपने आप का बहुत अग्रेसिव होता है, ठीक है, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अभी देखो इन्वेस्टमेंट को लेकर के चाइना कितना डेस्परेट हो रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की बात चल रही है, तो हमारी कंट्री ने की तरफ से एक रिस्पांस गया था कि ठीक है इन्वेस्टमेंट अलाउ करेंगे बट कुछ कंडीशंस के साथ करेंगे, बिल्कुल रिसेंट की न्यूज़ है अभी। तो बहुत कम इंडियन एम्बेसीज हैं, उनके पास अपने डिफेंस विंग्स भी होते हैं। तो यूएस और यूके होकर जहाँ पर भी जाते हैं ना, जैसे इंडिया में यूएसए की एम्बेसी होगी, उनका एक डिफेंस विंग होता है यहाँ पर अपनी एम्बेसी को, अपने डायस्पोरा को बचाने के लिए। बट इंडिया की एम्बेसीज जहाँ पर भी हैं दूसरे देशों में, सब में डिफेंस विंग नहीं लगे हुए। कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है हमारे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में, डिपार्टमेंट्स के अंदर, कि भाई डिफेंस में कॉपरेशन कैसे करेंगे। जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अगर बात करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ इतना स्ट्रॉन्ग अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो मजबूती बनी रहेगी। भारत के अंदर का काम होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर देखेगी, है ना, इंटरनल डिस्प्यूट होगा, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है, बॉर्डर एरियाज़ का देखती है। तो दीज आर द थिंग। फिर इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मैच करना ज़रूरी है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यू सी, कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। डिफेंस लेवल पर हमारी स्पेंडिंग बहुत कम है, हमारे GDP का सिर्फ 2% ही हम लोग उसमें स्पेंड कर रहे हैं। तो यूएसए जैसी कंट्रीज होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट, चाइना यूएस बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट स्पेंड करते हैं। तो इवन अगर हमारा जो ये पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर का इशू है पूरा का पूरा, तो अगर हम लोग इस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं तो यहाँ पर जितनी हमारी फोर्स हम लोगों ने लगा रखी है, हमारा GDP का बहुत सारा पैसा वहाँ पर जा वेस्ट हो रहा होता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, उनकी सारी हरकतों के कारण। बट वी कैन डू, हमारे पे पॉलिसी गाइडलाइंस को बेहतर कर सकते हैं, डिफेंस कॉपरेशन एक्टिविटीज़ को और प्रोग्रेसिव बना सकते हैं ना, स्पेशलिस्ट लगा सकते हैं, उनकी ज़रूरत है हमको कि किस तरीके से कॉपरेशन एक्टिविटीज़ में वो मदद कर पाएंगे, कैसे उनका स्पेशलिस्ट ऑफिसर अपने एक्सपीरियंस से उनको गाइड करेगा। तो जो भी एक्टिविटीज़ कहते हैं उनकी एनुअल ऑडिटिंग की जाए। ऑडिटिंग से क्या होता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड होने के चांसेस बच जाते हैं, बहुत पैसा बचता है, फोकस किया जा सकता है कि एरिया के ऊपर कैसे काम करना है। प्लानिंग कैन बी इंटीग्रेटेड, है ना, दो मिनिस्ट्रीज़ हैं आपस में मिलकर के काम करें कि भाई इस कंट्री के साथ ऐसे डेवलपमेंट करना है। मेजरली जो हमारे नेबर वाली कंट्रीज़ हैं उनके साथ दोनों मिनिस्ट्रीज़ को मिलकर काम करना चाहिए, करती भी हैं, पर कुछ लूप होल्स होते हैं तभी ये पॉइंट लिखा गया है कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग की ज़रूरत है। नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपने रिश्ते नाते मजबूत किए जाएँ, उनके साथ जो भी डीलिंग्स होगी खास करके चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए, ताकि अगर इंडिया के अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे तो चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा उनके ऊपर। दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन। तो ये था हमारा टॉपिक, और ये टॉपिक आपका सिर्फ मेन स्पेसिफिक है, इसमें आपको प्रीलिम्स का कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। और मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये पूरा का पूरा मतलब एक क्वेश्चन बन सकता है मेंस का, कि इंडिया के डिफेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स का फॉरेन पॉलिसी गोल में क्या योगदान रहा है। और ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे, बताओ भाई तुम, हो सकता है कि आप जब इंटरव्यूअर आपसे पूछे वो पूछे अच्छा तुम्हारे पिताजी आर्मी में काम करते हैं, चलो एक सवाल का जवाब दो, बताओ कि डिफेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव से भारत की फॉरेन पॉलिसी को क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही होता है इंटरव्यू में, तो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कम, पर मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं अगर आप देखोगे PYQs पढ़ के। तो टॉपिक नंबर 2.5 है हमारे पास, 75 ईयर्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 75 साल हो चुके हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, UDHR को। तो देखते हैं 75th एनिवर्सरी पर क्या कुछ हुआ है। 2023 में उन्होंने एक थीम रखी है, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो तीनों शब्द बहुत भारी भरकम है और तीनों अपने आप को बहुत अच्छे से जस्टिफाई भी करते हैं। तो 75th इनिशिएटिव का एक ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि कैसे हम लोग चेंज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे हम लोग कॉन्क्रीट प्रोग्रेस के ऊपर काम कर सकते हैं, है ना, कैसे हम लोग फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी का वादा है उसे कर भी सकते हैं और निभा भी सकते हैं। तो ह्यूमन राइट्स का जो इनिशिएटिव, इसके तीन गोल हैं अभी, यूनिवर्सलिटी और इंडिविजिबिलिटी को प्रमोट करना है, लुकिंग टू द फ्यूचर, बोल्स्टरिंग द ह्यूमन राइट्स इकोसिस्टम, उसको मजबूत करना है हमारे ह्यूमन राइट के सिस्टम को। तो जो डिक्लेरेशन है हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का, उसके कुछ अधिकार है, जैसे कि सारे के सारे जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, वी ऑल आर बॉर्न फ्री, वी ऑल आर बॉर्न इक्वल, एंड वी हैव सम डिग्निटी एंड वी हैव सम राइट्स। ऑल राइट, नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड, कोई भी किसी का दास नहीं करेगा, किसी की सेवा में उसको नहीं लगाया जाएगा। नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, किसी पर भी टॉर्चर नहीं करना है। कानून के सामने सब एक समान हैं, किसी को भी आर्बिट्रेरी तरीके से अपनी मनमर्जी से अरेस्ट करना, डिटेन करना, ठीक है, या फिर उनको एग्जाइल में भेज देना, जैसे वनवास टाइप का ना, एग्जाइल में भेज देना, वो आप नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा हर व्यक्ति के पास अपने इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स होते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को उसकी जो निजता होता है, प्राइवेसी होती है, उसमें आप इंटरवीन ना करें।
तो देख रहे हो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया में भी आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जाते हैं, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया, राइट टू प्रिवेसी वाला हो गया, इकोनॉमिक सोशल राइट्स वाला हो गया, आर्बिट्री डिटेंशन का भी हमारे पास राइट है, टॉर्चर के राइट है, स्लेवरी के भी राइट है ना। तो वी हैव ऑल दीज राइट्स इन आर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 में। तो ये जो यूनिवर्सल राइट है दे आर इनहेरेंट टू अस ऑल, ठीक है। इनहेरेंट का मतलब होता है कि हम वी कम थ्रू देम, ठीक है। हमारा जन्म हुआ उसके साथ ही हमको मिलता है, ऐसा नहीं कि हमको कोई आके पेपर साइन करना पड़ता उसके बाद ही। तो डजेंट मैटर हमारी क्या नेशनलिटी है, डजेंट मैटर हमारा जेंडर सेक्स क्या है, किस देश के किस नागरिक किस जगह के रीजन है, एथनिसिटी क्या है हमारी, क्या रंग है, क्या हमारा धर्म है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सबको मिलते हैं ये अधिकार, ठीक है। बहुत फंडामेंटल चीज़ें जैसे कि राइट टू लाइफ से लेकर के, है ना, जो चीज़ें हमारे जीवन के व्यापन को मजबूत बेहतर करती हैं जैसे कि फूड एजुकेशन, तो हर तरह के राइट कवर किए जाते हैं UNDHR में। तो UNDHR नहीं UDHR में, तो UDHR जो था 1948 में UN के जो जनरल असेंबली थी तब अडॉप्ट किया गया था। तो ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया गया था जहां हमने अपने जो मूल अधिकार होते हैं नागरिक के मूल अधिकार उनको हमने डॉक्यूमेंट किया था ताकि इनको यूनिवर्सली इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। प्रॉब्लम ये कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ 30 राइट्स हैं और कुछ फ्रीडम्स हैं जो सभी को बिलोंग करते हैं। अब दो कॉवेनेंट्स हैं इसमें, इंटरनेशनल कॉवेनेंट हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का और एक इंटरनेशनल कॉवेनेंट है इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स का। तो दोनों को मिलाकर के बनता है हमारा इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। 2023 में जून में 30th एनिवर्सरी थी वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम फॉर एक्शन की। तो ये भी एक ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन ही है जो कि 1993 में अडॉप्ट किया गया था वियना में ऑस्ट्रिया में। जब हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, उसका बेहतरी उसका फायदा होता है कि हमारे जो अधिकार होते हैं ना, इन नागरिकों के जो अधिकार होते हैं वो थोड़े मजबूत हो जाते हैं, थोड़ा लीगली बाइंडिंग, वैसे तो लीगली बाइंडिंग नहीं है बट व्हेन दीज थिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड ना दे आर प्रेजेंटेड, तो एक डेटरेंस का काम करते हैं, कोई हमारे खिलाफ ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है इनको। फिर एक बहुत ही डिसेंट फ्यूचर के लिए सभी लोगों के लिए, एक न्यायप्रिय और एक शांतप्रिय एक वेलनेस वेलफेयर वाला सिटी का फ्यूचर बनाने के लिए इस तरह के जो डिक्लेरेशन होते हैं बहुत मददगार साबित होते हैं। सभी नागरिकों को वादा किया जाता है उनके इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल कल्चरल सिविक राइट्स होंगे तो उनको दे आर फ्री फ्रॉम वॉन्ट एंड फियर, तो इस तरह के वादे किए जाते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस राइट्स, दिस इज हाउ दे हेल्प अस इन ग्रोइंग एंड बिकमिंग अ बेटर सिटीजन एंड लिविंग अ बेटर लाइफ। कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो इस तरह के हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मेजर कन्वेंशन हैं प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, ठीक है, जेनोसाइड से आपको बचाने के लिए है, राइट्स ऑफ चाइल्ड से बच्चों के अधिकार के लिए है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए है, रिफ्यूजीज़ के लिए हैं। तो इस तरह के कन्वेंशन बनाए गए थे ताकि किसी भी तरह की ऐसी घटना हो उनसे बचाने के लिए कोई भी कंट्री उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है अंडर दिस कन्वेंशन। ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो इन तरह के जो भी अधिकार होते हैं इनको प्रमोट करता है। ह्यूमन राइट्स एंड यूएन सिस्टम भी है, इसमें यूएन की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है, यूएन पीस कीपिंग मिशन है जो सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है, ये भी एक इंटरनेशनल नॉर्म है, नॉर्म मतलब है रूल है, ये सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होगी वो सबकी मदद करेगी, कभी जेनोसाइड हो रहा है वॉर क्राइम हो रहा है सब मिलकर के मदद करेंगे। देन वी हैव नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे हमारा इंडिया का हो गया NHRC हो गया एंड सॉर्ट ऑफ दिस थिंग्स। अब प्रॉब्लम ये चैलेंजेस आते हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर के, है ना, मानव अधिकार को लेकर के। तो UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2023 की, उसके अकॉर्डिंगली 6.1 बिलियन लोगों में से ऑलमोस्ट 1.1 बिलियन लोग ऐसे होते हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं 110 देशों के अंदर। ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एक तो लेटेस्ट है, अगर आप 2023 में मेंस का एग्जाम दे रहे हैं यू हैव टू रिमेंबर दिस, कोई और आप एग्जाम दे रहे हैं आपको डेटा पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, एज ऑफ 2022 8.7 मिलियन पीपल ऐसे हैं 88 देशों के अंदर जहाँ पर वो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का शिकार हो रहे हैं, अपने ही देश में अपने ही जगह से उनको शिफ्ट होना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ डिजास्टर क्लाइमेट चेंज के कारण। वॉर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेररिज्म है, यूक्रेन के कारण बहुत सारे जो ऐसे लोग थे तो टू मोर देन 100 मिलियन पीपल एक जगह से दूसरी जगह पर गए जो कि ये रिकॉर्ड पर है। लोगों को डिस्प्लेस किया गया है, लोगों को डिस्प्लेस क्योंकि यार वॉर एरिया में कौन रहेगा, ना पढ़ाई है, ना हेल्थ है, नथिंग, योर होल लाइफ इज डिस्ट्रॉयड देयर। फूड इनसिक्योरिटी है, है ना। अब मानव अधिकार में राइट टू फूड एक बहुत महत्व अधिकार बन जाता है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम था उन्होंने कहा था कि 345 मिलियन पीपल लोग ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं 2023 के अंदर ही, और ये 2020 से डबल हो चुका है ये जो आंकड़ा है। तो यानी कि आप लगा लो कितना रहा होगा, 170 मिलियन के आसपास रहा होगा और ये डबल हो चुका है। वुमेन राइट की बात करते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है पिछले साल की, उन्होंने कहा था कि 132 साल लगेंगे हमें जेंडर पैरिटी जेंडर इक्वालिटी तक पहुंचने में। दीज आर ऑल द वंडरफुल डेटाज राइट, कितने कितने जगह पर आप पॉवर्टी में ये डेटा यूज़ कर लो, क्लाइमेट चेंज के टॉपिक में कर लो, वॉर कॉन्फ्लिक्ट में, फूड में, वुमेन वाले में, तो ये डेटा बहुत अच्छा है, टॉपिक को मिस मत कीजिएगा। रेशियल एथनिक रिलीजियस हेटेड रहती है देशों के अंदर, आपस में जो समूह होते हैं लोग होते हैं अपने ग्रुप्स के अंदर वो एक दूसरे के साथ इन चीज़ों के ऊपर उनकी बहस हो जाती है,
LGBTQ+ राइट हैं, लोगों की प्रति हिंसा होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है कंसिडरिंग उनकी जो जेंडर आइडेंटिटीज़ होती हैं, पीपल आर होमोफोबिक, है ना, ट्रांसफोबिक एटीट्यूड रहता है लोगों का। तो ये चीज़ें हैं जिसके कारण ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एंड चैलेंजेस अक्सर आते रहते हैं। बहुत सारे अथॉरिटेरियन रिजीम्स होते हैं जो डिक्टेटरशिप टाइप की चीज़ें होती हैं ना, ईरान के अंदर एग्जीक्यूशंस हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं अपनी मर्जी से, म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू हो गया था, तख्ता पलट हो गया था, है ना, तालिबान ने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स को रोल बैक कर दिया था। दीज आर द इशूज़ जहाँ पर अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो होते हैं वो ह्यूमन राइट्स को डिनाई करने की कोशिश करते हैं। वट वी कैन डू इज़ की वी कैन एम्पावर द इंडिविजुअल्स, राइट, वी कैन प्रोटेक्ट दैम, वी कैन अपहोल्ड दोज ह्यूमन राइट्स, है ना, एक यूनिवर्सल एबोल्यूशन की तरफ काम कर सकते हैं, डेथ पेनल्टी को यूनिवर्सली एबोलिश कर दिया जाए, किसी भी तरह का टॉर्चर या क्रूअल या फिर जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है किसी व्यक्ति का उसको प्रॉपरली इरेडिकेट कर सकते हैं, एंड वी कैन हैव बेटर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज विच आर रेजिलिएंट, विच आर इंक्लूसिव। तो वी कैन हैव दोज थिंग्स वर्किंग इन ए प्लूरलिस्ट मैनर, उसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज हो, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी हो। फंडामेंटल फ्रीडम को बचाना बहुत ज़रूरी होता है, तो एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम बना सकते हैं जहाँ पर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हर व्यक्ति के लिए फंडामेंटल फ्रीडम को मेंटेन किया जाए। ग्लोबल सिस्टम बनाया जा सकता है, वी हैव ऑलरेडी हैव द ऑफिस ऑफ यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, हमारे पास इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है, वी कैन टेक हेल्प ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एज वेल। तो इनकी जो पार्टनरशिप होती है इस तरह के जो भी ग्लोबल सिस्टम की, उस पार्टनरशिप को हम लोग और इंक्रीज कर सकते हैं। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही सुंदर चीज़ है, प्राइवेट एंटिटीज़ की, गवर्नमेंट की, इंडिविजुअल सब मिलकर के काम कर सकते हैं ना, यू नो, द इंक्लूसिव तरीके से, इंटीग्रेटेड तरीके से, दैट कैन बी डन। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन पे काम किया जा सकता है ना, सिस्टमेटिकली हर एक सोसाइटी में हम लोग उसको वहाँ तक लेके जाएं, आखिरी जगह तक उसको लेके जाएं, स्कूल हो, कम्युनिटी हो, फैमिली हो, प्रोफेशनल सेटिंग हो, हर जगह पर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना चाहिए। वी हैव टू कन्वे अबाउट ऑल द कॉन्वेनेंट्स एंड द कन्वेंशंस विच आर देयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, एंड दिस इज हाउ वी कैन डेफिनेटली गो हैड, जो भी इशूज़ हैं उनको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो ये टॉपिक है आपका, ये मेंस का टॉपिक रहेगा, बहुत सारे अच्छे इसमें डेटा हैं, पॉइंट्स हैं, तो उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 2.6। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी यूएन का जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यूएन का एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के बारे में। आप लोगों ने अक्सर इसका नाम सुना होगा, ये यूएन की एक स्पेशल एजेंसी 1945 में ही बनाई गई थी। मेजरली काम होता है एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन के अंदर इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना। तो कैसे सब लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है लाइफ लॉन्ग, है ना, कैसे फ्यूचर में होने वाले कोई भी सोशल एथिकल चैलेंजेस उनको हम कैसे एड्रेस कर पाएंगे। तो फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है और बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सम ऑफ यू वांट टू हैव अ बैकअप प्लान, तो यूनेस्को की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर देखो इनके इंटर्नशिप्स होती हैं, इनके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो आप वहाँ पर भी अपना अप्लाई कर सकते हो, यू विल डेफिनेटली गेट गुड अपॉर्चुनिटीज़, कहीं पेरिस फ्रांस में काम करने का मौका मिल सकता है। इंडिया में भी इनकी एजेंसीज़ हैं जो इंडिया में भी आप काम कर सकते हो, एंड वर्ल्ड वाइड घूमने का मौका मिलता है ऐसी जगह पर काम करने से। फिर आप एजुकेशन में काम करोगे, सोशल और एथिकल चैलेंजेस को हैंडल करोगे, तो वही है, सिविल सर्विस वाला ही काम हो भी जाता है आपका। दिस इज़ वन ऑफ द बैकअप ऑप्शन यू कैन कंसिडर। 194 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ दिस, एंड सेक्रेटेरिएट है उसमें, डायरेक्टर जनरल्स वगैरह होते हैं। इनको यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड भी मिला था, यूनेस्को को फेलिक्स हुफो बियोजिनी पीस प्राइज मिला था। आई डोंट नो हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस, आई थिंक ये जर्मन वर्ड है शायद, या फिर फ्रांस भी, फ्रेंच भी हो सकता है। उसके अलावा जो यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है उसका भी पार्ट है यूनेस्को, एंड इसके जो तीन यूनेस्को के मेंबर्स हैं वो दे आर नॉट यूएन मेंबर्स, जैसे कुक आइलैंड है, न्यू है और पैलेस्टीन है, ये यूएन के मेंबर तो नहीं है बट यूनेस्को के मेंबर ज़रूर हैं। फिर तीन यूएन के ऐसे मेंबर कंट्रीज हैं, इसराइल, लेचेस्टीन और यूएसए, ये यूनेस्को के मेंबर नहीं है। हम लोग यहाँ जानेंगे यूएसए यूनेस्को का मेंबर क्यों नहीं था और वो दोबारा से क्यों ज्वाइन करना चाहता है। 2018 के अंदर क्या होता है ना, यूनेस्को को छोड़ दिया था यूएसए ने, प्रॉब्लम ये हुई थी, फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। 2011 में यूएसए ने कहा कि हम देखो, ये जो भी एजेंसीज होती है ना, यूएन वगैरह की, ये सब कैसे चल रही होती है, हर कंट्री में फंडिंग करता है, इंडिया भी यूएन को फंड देता है तभी तो यूएन चलेगा ना। तो 2011 में यूएसए ने ना फंडिंग बंद कर दी थी, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि आपने पैलेस्टीन को इसका मेंबर क्यों बना लिया। 2013 के अंदर सिंस उन्होंने फंडिंग बंद कर दी, तो 2013 में यूएसए को उनके वोटिंग राइट भी छीन लिए गए थे, एंड 2017 में उन्होंने कहा था कि आपने बहुत सारे ज्यूइश साइट्स जो है पैलेस्टीन के अंदर, उनकी आपने उसमें उनके प्रति आपने भेदभाव किया, उनकी नेमिंग वगैरह की थी, तो यूएसए ने इसको छोड़ दिया था। इससे पहले 1984 में भी यूएसए ने पुल आउट किया था यूनेस्को से, ठीक है, और बाद में 2003 में ज्वाइन किया था, 2018 में उन्होंने फिर से छोड़ दिया था। तो अब सीन ये हो रहा है कि यूएसए को लग रहा है कि इसको रीजॉइन करना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार यूएसए की सॉफ्ट पावर जो थी ना वो कहीं ना कहीं बहुत इस्तेमाल हो पा रही थी वाइल देवर पार्ट ऑफ यूनेस्को, और अब वो नहीं है यूनेस्को का पार्ट, तो सॉफ्ट पावर जो है उनकी यूज़ नहीं हो पा रही है। तो यूएसए इसलिए चाहता है दोबारा से इसमें ज्वाइन करना। फिर बहुत सारे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी बढ़ते जा रहे हैं, चाइना ने कहीं ना कहीं यूएसए को रिप्लेस कर दिया यूनेस्को के अंदर, तो यूएसए चाहता है कि यार नहीं, हमको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, तो चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है वर्ल्ड में,
इकोनॉमिक एजुकेशनल सोशल कल्चर सेक्टर के अंदर, तो हमें वापस आना पड़ेगा। फिर यूनेस्को में भी कुछ बहुत सारी चीज़ डेवलप हुई हैं, है ना, और बहुत हद तक यूएन के एथिकल स्टैंडर्ड्स को सेटअप करने में यूनेस्को रोल प्ले करता है, तो यूएसए को लग रहा है कि हमें वापस आना चाहिए। तो जो मेंबरशिप होती है ना यूनेस्को की, उसमें कंपलसरी होता है कि आप यूएन का पार्ट बने, बट कुछ कंट्रीज़ का हम लोगों ने देखा था कि एक्सेप्शन भी था ऊपर, है ना, कुक आइलैंड्स, न्यू पैलेस्टीन का। तो जो ऐसे कंट्रीज जो इसका मेंबर नहीं होते हैं ना, उनको अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड से एक रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, और जो जनरल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें अगर उनको 2/3 मेजोरिटी वोट मिल जाता है, देन दे कैन बिकम पार्ट ऑफ दिस थिंग्स। इश्यूज़ क्या हैं यूनेस्को के, मिसमैच इन द मेंबर प्रायोरिटीज़, है ना, प्रायोरिटीज़ की मेंबर में कोई कंट्री कहता है कि फॉरेन पॉलिसी पे काम करो, कोई कहता है पॉलिटिकल एजेंडा पे, कोई कहता है सिक्योरिटी पे, कोई कहता है कल्चर पे, कोई कहता है इकोनॉमी में, तो सारी कंट्रीज मिलकर के एक जगह टारगेट कर नहीं पा रही हैं। फाइनेंशियल व्यूज़ हैं, ठीक है, जब से यूएस ने विड्रॉ किया तो उनके 20% फंडिंग खत्म हो गई है, पैसा कम हो गया है, एजुकेशन पे फोकस कम हो गया है, पहले जो इतना हुआ करता था 18% 15% पे आ गया अपने बजट के, तो अब यूनेस्को तो मेजर काम ही एजुकेशन पे होता है। फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह जो होती हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट और प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग पढ़ते हो ना, यूनेस्को की ही होती हैं सारी की सारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, इनको टैगिंग करता है वो। तो जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर जो बामियन बुद्धास थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को सेलेक्ट कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट को प्रपोज करना चाहिए उसका नाम इंक्लूड करने के लिए, है ना। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जब से यूएस से गया था चाइना इंडायरेक्टली यूनेस्को को पुश कर रहा है कि उसमें कुछ वोकेशनल और जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, खास करके जो कंट्रीज उनके बीआरआई के साथ काम कर रही हैं, तो यूएसए को लगा कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। सो फार देखते हैं यूनेस्को की बहुत सारी अचीवमेंट्स भी है ना वर्ल्ड के अंदर। टोटल 167 कंट्रीज में इन्होंने 1157 वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिए, उनको प्रिजर्व भी करता है, तो बहुत अच्छी बात है। 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसको प्रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। देन इंटेंजिबल हेरिटेज कन्वेंशन भी है, इंटेंजिबल मतलब होता है जिनको आप टच नहीं कर सकते, ऑलराइट, जैसे ये ताजमहल हो गया आप टच कर सकते हो, योगा को आप टच नहीं कर सकते ना, योगा इज अ प्रैक्टिस, यू जस्ट डू इट, उस तरीके से वो होती है इंटेंजिबल। मीडिया डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये इसमें फ्रेमवर्क था मीडिया के लैंडस्केप को बेहतर करने के लिए। फिर यूनेस्को का एक एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव भी था, उसमें ग्लोबल एजुकेशन उन्होंने बहुत मदद की थी, लिटरेसी रेट को बढ़ाया था उन्होंने, तो 76.7 से 86.81 तक इंक्रीज हो गया था। फिर एक सेपरेट लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज की जो खास करके खतरे में है, तो उसको ऊपर ये लोग स्पेशल अटेंशन देते हैं। दीज आर अचीवमेंट्स, यूनेस्को ने बहुत काम अच्छा भी किया, ऐसी बात नहीं है। वट वी कैन डू इज़ ना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूएसए हो गया, है ना, यूके हो गया, पेरिस फ्रांस वगैरह हो गए, जर्मनी हो गया, उनसे थोड़ी ज़्यादा मदद ली जा सकती है बिकॉज ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमिक स्टेटस। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना हेरिटेज साइट्स को, थोड़े प्रोसेस को चेंज किया जाए। देखो सिलेक्शन प्रोसेस दुनिया में हर जगह चेंज करने की बात उठ रही है, इवन लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसको चेंज करो। प्रीलिम्स जैसे एग्जाम के अंदर अगर लोग एलिमिनेशन से, हालांकि इस बार तो एलिमिनेशन का भी गेम बदल दिया था, बट एलिमिनेशन के तौर पर बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स के अंदर। देयर आर पीपल हु हैड इनफ पोटेंशियल टू बिकम ए बेटर एडमिनिस्ट्रेटर, बट वो लोग इस एग्जाम के चक्कर में नहीं बन पाते हैं। तो बहुत डिमांड आई है, अभी नहीं, काफ़ी सालों से आ रही है, पिछले 15 सालों से डिमांड उठ रही है कि सिलेक्शन प्रोसीजर को और बेहतर बनाया जाए। कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, रादर देन ए पर्सन जो सिर्फ किताबें पढ़ करके और स्किल्स डेवलप कर रहा है। बाकी यूपीएससी के पास अपना खुद का लॉजिक भी है, वो कह रहे हैं कि हम लोग एनालिटिकल चीज़ों पे जजमेंट करते हैं, ठीक है, वो भी सही है। सो फार उसमें बहुत अच्छे लोग निकले भी हैं। सिलेक्शन प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हर जगह सवाल उठते हैं। गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को और मजबूत करने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी लाने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन बढ़ाया जा सकती है बाकी जो यूएन की एजेंसीज हैं उनके साथ, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सिविल सोसाइटी, एकेडमिक्स, प्राइवेट सेक्टर के साथ। सो इफ ऑल दिस थिंग्स आर डन, देन डेफिनेटली यूनेस्को एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बन पाएगा। और जो यूएसए है उसने फॉर्मली रीजॉइन किया है इसको आफ्टर 5 ईयर्स एब्सेंस, और दे वर विलिंग टू डू दिस थिंग्स, दैट्स वाई द टॉपिक वॉज इन न्यूज़। दिस पोर्शन इज़ फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी जो सारी की सारी चीज़ें हैं दे आर ऑल अबाउट द मेंस, ठीक है। ये एजुकेशन डेवलपमेंट कितना हुआ है, कितने साइट्स वगैरह होती हैं, कितने ऑलरेडी हैं, अब साइट्स के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं आप लोगों के, तो डू रिमेंबर देम, डू नॉट फॉरगेट देम। टॉपिक नंबर 2.7 में हम लोग IR सेक्शन के न्यूज़ इन शॉर्ट कवर करेंगे। तो सबसे पहले है इंडिया और इजिप्ट। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो रिसेंटली विजिट इजिप्ट गए थे, और आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने जनवरी में भी ये टॉपिक पढ़ा था इंडिया एंड इजिप्ट का, बिकॉज जो इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो हेड थे, वो आए थे इंडिया में ऑन द रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। तो इंडिया और इजिप्ट ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, एंड उस टाइम, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, उनके प्रेजिडेंट आए थे इजिप्ट के, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए थे। तो दोनों कंट्रीज़ ने 3 MOU साइन किए, एग्रीकल्चर, आर्कियोलॉजी एंड एंटिकिटीज़ और कॉम्पिटिशन लॉ को लेकर के। हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनको ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड भी दिया गया था, जो उनकी कंट्री का हाईएस्ट स्टेट ऑनर है। जैसे इंडिया में होता है ना भारत रत्न होता है, तो वैसे उनकी कंट्री का भी एक हाईएस्ट स्टेट ऑनर है।
प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर हेलियोपोलिस कॉमनलेंथ वॉर ग्रेव सिमेट्री है और अल हकीम मॉस्क भी है इजिप्ट में, उनको भी विजिट किया था। तो ये जो अवार्ड है और ये जो सिमेट्री वगैरह है, इन सब के बारे में आपको, मुझे लगता है इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है, बट दिस मैप डेफिनेटली होल्ड्स इंपॉर्टेंस। यहाँ से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, कंसिडरिंग ये पूरा इजिप्ट का रीजन है और ये जो एरिया है इनका डिस्प्यूटेड एरिया है, दिस इज़ द रेड सी, यहाँ पर इसराइल है, दिस इज़ जॉर्डन, दिस इज़ सऊदी अरेबिया, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये कायरो है कैपिटल, ये स्यूज कैनाल है, यहाँ से कैनाल एक नहर है पूरी की पूरी, जहाँ से शिप्स इधर से जाते हैं फिर वो उस कैनाल के थ्रू गुजरते हैं और इधर जाते हैं। तो अंग्रेज़ों ने इसकी शुरुआत की थी, बाद में इजिप्ट ने इसको पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया था। मैप हैज़ मोर इम्पोर्टेंस इन दिस टॉपिक देन एनीथिंग एल्स। वी हैव 75 ईयर्स ऑफ द यूएन पीस कीपिंग। हम लोगों ने ऊपर जब यूनेस्को का टॉपिक कर रहे थे तब हम लोगों ने यूएन पीस कीपिंग के बारे में थोड़ा सा एक लाइन पढ़ी थी। तो डिपार्टमेंट ऑफ पीस कॉपरेशन जो थे उनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया था एंड 75 ईयर्स हो चुके हैं इसको, 75th एनिवर्सरी मनाई गई थी यूएन के पीस कीपिंग की। इस बार की थीम थी पीस बिगिंस विद मी। एक सेरेमनी जो थी वॉज हेल्ड पॉस्थ्यूमसली टू अवार्ड द डाग हमरजॉल्ड मेडल, जो भी पीस कीपर्स जिनकी 2022 में डेथ हुई थी फॉर द पीस ड्यूरिंग द पीस कीपिंग मिशंस, तो उनको ऑनर किया गया था पॉस्थ्यूमसली। जो अवार्ड जो होते हैं ना वो उनकी डेथ के बाद दिए जाते हैं, जैसे भारत के अंदर जो परमवीर चक्र होता है ना वो पॉस्थ्यूमसली दिया जाता है। पिछले 75 सालों से मोर देन 2 मिलियन पीस कीपर यानी कि 20 लाख से ऊपर लोगों ने इसमें काम किया, बहुत सारे लोगों की जान बचाई है बहुत सारी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी वाली सिचुएशंस में। डिपार्टमेंट ऑफ पीस प्रमोशन से 1992 में बनाया गया था एंड इनका काम यही होता है कि जो मेंबर स्टेट्स होते हैं उन सबको असिस्ट करना। इंडिया और यूएन का एसडीजी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, एसडीजी यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इंडिया की तरफ से नीति आयोग जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का असेसमेंट करता है। तो नीति आयोग और यूएन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएन का एक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क साइन किया था। तो 4 स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं इसमें, पीपल, प्रोस्पैरिटी, प्लैनेट एंड पार्टिसिपेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो इनका काम होता है जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं जेनोसाइड क्राइम्स के, ह्यूमैनिटी वॉर्स वगैरह के, उन सबको इन्वेस्टिगेट करना। तो 1998 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया गया था रोम स्टैट्यूट के अंडर और इसका जो ज्यूरिसडिक्शन था वो उन्हीं क्राइम्स के ऊपर था जो 1 जुलाई 2002 के बाद हुए थे, क्योंकि उसके बाद ही रोम स्टैट्यूट जो था इन्फोर्स किया गया था। इस कोर्ट का अपना खुद का कोई पुलिस फोर्स नहीं है लेकिन जो स्टेट्स होते हैं उनके साथ कोऑपरेट करता है। तो 123 कंट्रीज़ हैं जो रोम स्टैट्यूट का पार्ट हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ट्रीटी को कभी साइन नहीं किया है इंक्लूडिंग इंडिया, कुछ कंट्रीज़ उन्होंने साइन कर लिया है बट इसको रेटिफाई नहीं किया है। तो इंडिया, चाइना ने इसको साइन ही नहीं किया है, बाकी यूएस हो गया, इसराइल, रशिया, ईरान, उन्होंने साइन कर लिया बट रेटिफाई नहीं किया है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर आप साइन कर लेते हो, ठीक है, आपके उस साइन करने का मतलब है दैट यू हैव कंसिडर ऑल द ऑब्लिगेशंस, फिर आप रेटिफाई भी करते हो। रेटिफाई करने का मतलब होता है कि अब आपने उनको फॉलो करना कमिटमेंट्स के साथ स्टार्ट कर दिया, वो आपके ऊपर बाइंडिंग हो चुकी है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो स्टेप यही होता है, पहले आप साइन करते हो, वो प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद आप रेटिफाई करते हो। तो कुछ केसेस आते हैं, जैसे कोई भी मेंबर कंट्री होगी वो अपनी सिचुएशन बता सकती है इस कोर्ट को, या फिर यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल भी किसी केस को यहाँ पर रेफर कर सकता है। जो प्रोसिक्यूटर होता है वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है किसी स्टेट के साथ। अभी टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था, साउथ अफ्रीका सोच रहा था कि जो ब्रिक्स समिट होगी ना उसमें हो सकता है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट थे उनको वो अरेस्ट कर लेगा बेस्ड ऑन, अगर उनके पास ये आईसीसी का अरेस्ट वारंट आता है तो, जो कि आ ही चुका है बेसिकली। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, तो हमारा जो कैबिनेट है उन्होंने कहा दिया था कि एक रीजनल ऑफिस बनाएंगे हम लोग यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का न्यू दिल्ली में। 1874 के अंदर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बनाया गया था। तो वर्ल्ड के अंदर जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरीके से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन भी है। तो 192 मेंबर कंट्रीज है, इसमें इंडिया भी इसका पार्ट है। एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन, तो उन्होंने रिसेंटली इंडिया को एज अ चेयर पर्सन बनाया था अपने स्टैंडिंग कमेटी के लिए जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे काम करेगी। तो ये जो कमीशन था ये 1956 में बनाया गया था, इनका बेसिकली इसमें 25 कंट्रीज है, इंडिया भी इसका पार्ट है। तो ये क्या करते हैं, रीजनल लेवल के ऊपर जो प्लांट प्रोटेक्शन सिस्टम्स होते हैं ना उनके डेवलपमेंट पर काम करते हैं। कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस, तो रिसेंटली जो यूएई था उसने कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस से विड्रॉ कर लिया था, बहरीन में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। ये एक मैरिटाइम पार्टनरशिप है, इंडिया भी इसका पार्ट है। तो जनरली काउंटर नारकोटिक्स, काउंटर स्मगलिंग के ऊपर ये लोग काम करते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन इंसिडेंट्स में भी ये लोग अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जो ये काउंटर मैरिटाइम फोर्स है इसको यूएस के जो नेवी के वाइस एडमिरल है वो इसको कमांड करते हैं। नदन सी रूट, रशिया ने कहा है कि वो लोग ना नदन सी रूट के अंदर $24 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे उस एरिया को डेवलप करने के लिए। तो इसको नदन सी रूट भी बोलते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट पैसेज भी बोलते हैं। तो जो आर्कटिक ओशन है ना उसका जो नदन, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट है उसको ही कनेक्ट करता है। तो अगर आप देखोगे ये है नदन सी रूट।
इफ़ यू सी दिस थिंग। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये बैरेंट सी से लेकर के रशिया के पास बॉर्डर से फिर नॉर्वे के पास जाता है, बेरिंग स्ट्रेट वगैरह, साइबेरिया, अलास्का वगैरह, इन सब एरिया से ही क्रॉस करता है। तो पूरा का पूरा जो रूट है ना ये आर्कटिक वाटर्स में ही फॉल करता है और रशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। तो इस एरिया में अगर जब से एक्सप्लोरेशन किया जाएगा तो बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, एनर्जी सेक्टर बहुत इंप्रूव हो जाएगा। एंड अगर यहाँ से इस रूट को यूज़ करते हैं तो बहुत सारा 30-40% तक का टाइम भी कंज्यूम होता है, अदरवाइज क्या करना होता है, स्यूज कैनाल के थ्रू जाना पड़ता है। मतलब अगर कोई पर्सन यहाँ से मूव करेगा तो एक तो इधर जाएगा है ना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इंडोनेशिया, इंडिया के नीचे से, श्रीलंका के नीचे से, फिर अरेबियन सी से, फिर यहाँ से रेड सी से होते हुए यहाँ पे स्यूज कैनाल है, फिर ये पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी वगैरह से लेकर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से लेकर के और इधर फ्रांस वगैरह इस रीजन में मान लिया जाता है, नॉर्वे के पास जाता है। एक रीजन ये होता है यहाँ पर वो इसमें पैसिफिक ओशन में है, फिर यहाँ पर जापान के पीछे से, फिर उधर ऊपर ही कोरिया, चाइना, ये रशिया के साइड से होते हुए बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए ऊपर नदन सी में होते होते यहाँ से इस रीजन में पहुँचता है। तो इस रीजन में जाने से उसको 30-40% का टाइम कम लगता है। तो रशिया इन्वेस्ट कर रहा है, रशिया का रूट हो जाएगा, रशिया उनसे फिर चार्ज भी कर सकता है चाहेगा तो, अगर उनकी कंट्री के, अगर रशिया मान लो किसी का सामान यहाँ से निकलवाए कि ठीक है इधर से सी से जा रहे हो, मान लो यहाँ से निकल जाओ शॉर्ट में, तो रशिया को अपना इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा। तो ये टॉपिक थे हमारे न्यूज़ इन शॉर्ट के आईआर के, हमारा आईआर का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने हैं एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दिस 900+ माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो।